Aman sir, thank you. Rebellious ka darshima and jazakumullah. So I'm recording it. Thoda late ho gaya, lekin chale main dobara wo aakhir mein kar dunga. So let me share the screen. It's recording now. So once again, we started with the reading of Henry Mintzberg, Managers Not MBAs. Is an amazing book, and he talks about the present education system in reference to the business education. और ये कहते हैं कि confidence minus competence, ये जो equation थी, if you remember, मैं लिख देता हूँ, तो confidence ये पूरी किताब इनकी इसके गिर्द घूमती है. तो कहते हैं कि ये जो है ना आर्टिफिशियली हाई किया गया है, और कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज एंड जार्गन्स टर्मिनोलॉजीज एंड फ्रेमवर्क्स, मतलब इसको टोटली बुरा नहीं हम कह रहे, इसको ऑब्सेशन इतना ज्यादा हुआ कि कॉम्पिटेंस की कॉस्ट पे हो गया. तो जब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो, कॉम्पिटेंस कम हो, तो एरोगेंस पैदा होती है. आदमी आपको छुपाता है, हाइड करता है, पोज करता है, प्रिटेंड करता है. तो वो कहते हैं कि बेसिकली होना ये चाहिए कि ये कॉम्पिटेंस स्ट्रांग होना चाहिए, और ये एक दिन में नहीं होता, ये साल साल डेकेड्स लगते हैं. बड़ों की सोहबत में काम करना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है. तो कॉम्पिटेंस स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बिल्ट होता है. और फिर अलामा इकबाल का शेर हमें पढ़ना पड़ता है, औरों का है कलाम और मेरा कलाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है. एनीबॉडी हू इज ऑब्सेस्ड विद पैशन, तो वो फिर खुद ही अल्फाज निकलते हैं. वो जो एक दर्द होता है, सच्चाई होती है ना, वो खुद ही पहचानी जाती है. तो उस सूरत में जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन बदल जाती है. अगर आप कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस बेस्ड करें ना, इसी को कॉम्पिटेंस बेस्ड कर दें, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर एरोगेंस की बजाय ह्यूमिलिटी आ जाती है. यानी आप ये देखिए कि सरस्वती का सेशन था अभी 3-4 दिन पहले, वो नोबेल प्राइज विनर से पीएचडी की हुई, और कहा हम तो अल्लाह का फजल है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए. लेकिन लुक एट हर ह्यूमिलिटी, और वो उसने 195 लोग रिकॉर्ड लोगों ने उसका सेशन अटेंड किया. तो अपने शोबे में इतनी महारत है कि वो उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, उसका कुदरती बहाव था उसकी गुफ्तगू में, उसके अल्फाज में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, और वो इतनी हम्बल थी. यानी वो मेरी जो टीम मेंबर है तस्कीन, मेरे टीम मेंबर्स का उसने इतना हाल पूछा, खैरियत पूछी, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, शी इज आवर. सिर्फ उसको इससे गर्ज नहीं थी कि मैं अमेरिका से आ रही हूँ और 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद निकल जाऊंगी. एक इंसान की अहमियत, यानी इतना नॉलेज के बावजूद, तो हमारे बंदे काफी हैरान हो गए थे यार. तो ये हेनरी मिंसबर्ग साहब ने इसमें ये जो पहला सेशन हमने पढ़ा, ये हेनरी मिंसबर्ग साहब का, ये इसका हक तो अदा नहीं कर सके, लेकिन यह है कि बहरहाल हमने काफी कोशिश की. जो सेकंड हमारा था, एक बुक, एक रेफर मैंने किया था, द वैनिशिंग अमेरिकन कॉर्पोरेशन, और ये किताब तस्करा करती है. अब तो सामने एविडेंट हो गई, ये तो तकरीबन मैंने खुद, मुझे गिफ्ट दी थी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में, और ये जो ऑथर हैं इनने, पब्लिशर्स ने, ये किताब कहती है कि दुनिया में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. और वो ट्रेंड्स क्या चेंज हो रहे हैं, कैरियर्स आर मूविंग इन टू जॉब्स एंड जॉब्स आर मूविंग इन टू टास्क. वो कहते थे दुनिया में कैरियर्स का ज़माना बदल रहा है. 40 साल 50 साल एक कंपनी में रहना, पेंशन, ग्रेचुटी और रिटायरमेंट हेल्थ बेनिफिट्स, ये पहले अफोर्ड कर सकती थी कंपनीज, अब नहीं कर सकती. उसकी क्या वजह, उसकी वजह ज़माना बदल गया, ज़माने की चाल बदल गई. ज़माना क्यों बदला, चाल क्यों बदली, पॉपुलेशन बढ़ गई, इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों को इजहार राय की आज़ादी मिल गई, कुछ लोगों को क्रिएटिविटी इनोवेशन के इजहार का मौका मिला. और उसके बाद प्रेशर पड़ा, तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थी, उनके जो काम करने का स्टाइल था वो डायनासोरियन स्टाइल है, डायनासोर्स हैवी. छोटा सा भी काम करना होता है ना, तो वो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा हो जाता. तो एंटरप्रेन्योर्स ने मिथ तोड़ी है. स्टील मिल्स, वन ऑफ द फर्स्ट वन, स्टील मिल्स, मिनी स्टील मिल्स ने बड़ी स्टील मिल को गिरा दिया. तो वहां से जो कैरियर्स जो थे ना, पेंशन ग्रेचुटी तो तब देगी ना स्टील मिल जब स्टील बनता हो. जब स्टील ही नहीं बनता तो कहाँ से आएगी पेंशन ग्रेचुटी. तो पूरी दुनिया में ये होने लगा. तो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखने को जॉब्स कहते हैं, टर्मिनोलॉजी उनकी. तो
जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर रखना, थोड़ी पेंशन नहीं है, ग्रेच्युटी नहीं है, तो उसके बाद 2005 2002 10 5 के बाद इंटरनेट जो है इट वाज ऑल ओवर प्रवेसिव हो गया पूरी दुनिया में, तो वहां से एक और नई डायमेंशन मिली। उन्होंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों रखें यार, ऑन कॉल रखो, ऑन कॉल जब चाहिए होगा तो बुला ले, फेसबुक मीडिया एंड व्हाट्सएप एंड वेरियस अदर टूल्स इंटरनेट, ऑन कॉल है, मैं इतना $10,000 क्यों दूं एक वाइब्रेशन एक्सपर्ट को, मुझे जरूरत थी 6 महीने में 10 दिन पड़ती है तो 10 महीने के लिए मैं रख लेता हूँ, जब चूंकि एक ही है मल्टीपल है तो मैं ऑनलाइन 10-12 लोगों को ऑन कॉल रख लेता हूँ। तो दुनिया जो है ना जी कैरियर से जॉब जॉब से टास्क पे चली गई, और हमारी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड से लेकर एनसीएट से लेकर वो थोड़ा सा उन्होंने हरकत की है, लेकिन लम्स आईबीआई एंड द पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड ये आज से हम 50 साल पहले वाले माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि हम ऐसा करिकुलम, हमारा कंटेंट, हमारा करिकुलम, हमारे टीचर्स, हमारा गुफ्तगू स्टूडेंट्स को उसी माइंडसेट को समझ के हम कैरियर्स वाली चीजें पढ़ा रहे हैं। हालांकि अब तो जॉब्स का जमाना भी गुजर गया, टास्क का जमाना आ गया। टास्क का मतलब ये है कि हर आदमी मर्द और औरत के पास 3-4-5-6 स्किल्स हों और वो उन स्किल्स के जरिए, और ये जो मैनेजमेंट की चीजें ना वो भी अच्छी आ रही है, तो कॉमन सेंस है यार, इतनी फाइनेंस थोड़ी सी सीख लेना 3 दिन में काफी हो जाती है, 3 दिन 10 दिन बस। मार्केटिंग कॉमन सेंस, HR कॉमन सेंस, OB कॉमन सेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिक्स कॉमन सेंस, एडवांस चीजें हैं तो कोर्स कर लो 2-3 यार, तो वो जो ना ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। टास्क क्या है कि यार को वाइब्रेशन एनालिसिस आती हो भाई, कोई फूड टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें आती हो, कुकिंग आती हो, डिजाइनिंग आती हो, हाँ जी डेटाबेस मैनेजमेंट आती हो, हाँ जी ये स्किल्स हैं प्लांटेशंस का बताओ, ऐसी स्किल्स जो सेल हो सकें। हाँ जी आप HR को कहाँ सेल करेंगे यार, OB का कोर्स पढ़ लिए हमने जनाब, 4 चेंज मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ लिया, चेंज किसको करना है आपने? हाँ जी खुद तो बदलते, खुद बदलते नहीं, यानी कुरान को बदल देते हैं, यानी खुद बदलने को हम तैयार नहीं है, तो इतने भारी भारी कोर्सेज, इतने हैवी नाम रखे हुए, तो टास्क का जमाना है। तो यहाँ पर हमने ये रीडिंग थोड़ी सी ये इसका हमने तस्करा किया, अगर नहीं किया तो अब कर चुका हूँ क्योंकि शायद कुछ चीजें, फिर हम हेनरी मिंसबर्ग की और चीजें भी थी कुछ थोड़ी सी, इनफ लीडरशिप जिसमें वो बाकी चीजें कवर हो जाती हैं, इसलिए वो इनफ लीडरशिप आपको याद हो जब बहुत धमाके होते थे तो वो फिर एक बच्चे आते थे कहते थे बस करो बस बस करो बस, तो हेनरी मिंसबर्ग कहते हैं यार ये लीडरशिप का नारा लगाना बंद करो यार प्लीज, बहुत हो गया, हर बंदे को लीडरशिप का कोर्स पढ़ा देना, लीडर्स फॉर टो मारो, तो जनाब आपने ठेका लिया है लीडर बनाने का, जी आप खादम बने, आप खिदमत करो यार, आप लीडर किस तरह बनते हैं, अंग्रेजी सिखा दो, थोड़ी सी जार्गन सिखा दो, टर्मिनोलॉजी सिखा दो, IBA का ठप्पा लग गया, लम्स का लीडर बन गए, लीडरशिप कैसे क्या था लोग, अब्दुल सदार एदी लीडर कैसे बने, हाँ जी ये मतलब MBA किया था, खिदमत से बनता है, हाँ जी ये तो खिदमत से बनता है, छोटे छोटे काम करने से बनता है, अपने आप को हम्बल समझने से बनता है और लोगों को जितवाने से बनता है। तो लीडरशिप जो है ना जी वो तो इकबाल क्या कहते हैं वो शेर अगर मुझे याद आ जाए, वो शेर था इकबाल का कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, निगाह बुलंद मीन्स के आदमी जो है ना सेल्फिशनेस से बियॉन्ड होकर सोचे ना यार, निगाह बुलंद, तो हमारे सारे बियॉन्ड सेल्फिशनेस सोच रहे हैं, MBA क्यों करने आ रहे हैं, मैंने PhD लम्स क्यों किया, हम तो कैरियर ओरिएंटेशन में थे, हमें यही बताया गया यही पढ़ाया गया, निगाह बुलंद यार बियॉन्ड सेल्फिशनेस सुखन दिल नमाज, सुखन कहते हैं गुफ्तगु, जब मुंह से कुछ अल्फाज निकले दिलों को भाने वाले हों, दिलों को मूव करने वाले हों, जहां पुरसोस एम्पथाइज करना, दूसरों के शूज में बैठ कर देखना, तो इकबाल कह रहे हैं कि लीडरशिप तो इसको कहते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर, रख्त कहते हैं टूल किट, सफर कहते हैं जर्नी, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए, मीर कहते हैं लीडर का, जो लीडर है ना उसके लिए ये टूल किट है। तो ये 3 चीजें मुझे बताएं यार, ये बियॉन्ड सेल्फिशनेस ना मैट्रिक ना FSC ना इंजीनियरिंग UAT लॉर AIT बैंकॉक लम्स जर्मनी यार ये तो था ही नहीं यार, हाँ जी ये तो हम कहाँ से लीडरशिप का कोर्स पढ़ाएंगे, तो ये एक दुख है, तो इसलिए वो ऐसे अल्फाज मुझसे निकल जाते हैं, आई एम सॉरी, तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे।
उसके बाद हेनरी विंसबर्ग की एक रीडिंग, ये शायद हमने रीबैलेंसिंग सोसाइटी, ये हमने नहीं पढ़ी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एक, तीन चीजें हैं हमारे, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेशंस हैं और ह्यूमन बीइंग आम आवाम है। तो इस जमाने में ये हुआ कि गवर्नमेंट्स भी, पहले तो आवाम कमजोर हुए, गवर्नमेंट्स पावरफुल थी। ये पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो है वो गवर्नमेंट्स भी वीक होती चली गई और कॉर्पोरेशंस कॉर्पोरेशंस जो हैं वो पावरफुल हो गई। तो कॉर्पोरेशंस पावरफुल हो गई तो इसके वजह से बैलेंस जो है ना सोसाइटी का टूट गया। इस वक्त जो एनजीओ पब्लिक के नुमाइंदे हैं या पब्लिक सोसाइटी एनजीओ या पब्लिक की जो तंजीमें हैं वो वीकेस्ट हैं और गवर्नमेंट भी वीक है। इस वक्त जो कॉर्पोरेशंस हैं इतनी पावरफुल हैं कि वो जिस मर्जी सेनेटर को, जिस मर्जी कमेटी को यूएस के अंदर खरीद लें, अपनी मर्जी की पॉलिसी रेगुलेशन बनवा लें। तो ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इस जमाने में रीबैलेंस करना होगा सोसाइटी को। प्रोडक्टिविटी स्किलिंग एंड अमेरिकन एंटरप्राइज, उसमें वो तनकीद करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट को। और ये इशफाक अहमद भी ये कहते हैं कि जनाब आपने तरक्की तरक्की की डेफिनेशन लगाई हुई है कि गाड़ियां ज्यादा बना लेंगे, तो अल्लाह के बंदो प्रोडक्टिविटी टाइम एंड मोशन स्टडी, एक एक मिनट वो बाजू के मूवमेंट को भी मेजर कर रहे हैं कि ये फालतू हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी का फलाह के साथ ताल्लुक होना चाहिए। तो आप अगर हर चीज को नंबर में, टाइम में, पैसे में मेजर करेंगे ना तो वो एक मशीन बन जाएगा, और वो मशीन जो है ना वो बेमानी अगर होगी तो वो चलते चलते उसको पता नहीं चलेगा मेरा रीजन क्या है ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हेनरी विंसबर्ग साहब कह रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी का जो नारा है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डैमिंग शैमिंग, ये सारे जो हमारे हीरो बने रहे हैं बड़ा अरसा, क्वालिटी सर्कल्स, मतलब अच्छी चीजें हैं लेकिन उसको ओवर ऑब्सेशन करके हमने उसको खुदा बना लिया। तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट अ गॉड, प्रोडक्टिव इज नॉट अ गॉड, ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी बगैर फलाह के हो और बगैर इंसानों के हो तो वो किल कर देती है। उसने लिखा है कि अमेरिकन एंटरप्राइजेस को कैसे नुकसान है। तीसरा उनका आर्टिकल है रीबिल्डिंग कंपनीज एज कम्युनिटीज। वो कहते हैं कि कम्युनिटी समझो, एक एक आप फैमिली समझो, ये बरादरी है, ये मेरी कंपनी मेरी बरादरी है, इसके इसके लोगों का ख्याल रखना, इनके पौधों का, इनके एनवायरमेंट का, इनके जानवरों का, इनके हवा का, ये भी मेरी जिम्मेदारी। तो चौथा आर्टिकल है रेस्क्यूइंग कैपिटलिज्म फ्रॉम इटसेल्फ, वो भी इन्हीं की समराइज। रॉजर मार्टिन की छोटी सी वीडियो मैंने रखी थी, ये जरूरी नहीं है कि आप इससे इत्तफाक करें, ये एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर का नुक्ता नज़र है, क्योंकि उसने चैलेंज किया है, कहता है यार स्वॉट एनालिसिस और पोर्टर और फाइव फोर्सेस ठीक है लेकिन ये कि सतही चीजें हैं। तो वो सतही चीजें, ये थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में है रॉजर साहब, लेकिन यह है कि बाज़ दफ़ा नुक्ता नज़र सुनने में कोई हर्ज नहीं। तो आई वुड रिकमेंड के दरमियाना होना चाहिए, थोड़ा सा फायदा शायद हो भी जाए लेकिन वी हैव टू बी क्रिटिकल। वो ये कहते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है, टाइम का, नेवर यूज व्हाट एनालिसिस, जीरो वैल्यू, ये बहुत गुस्से में, इट इज वर्स देन नथिंग बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल स्टार्ट ऑफ स्टूपिड थिंग्स। तो वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स होता है आई बी ए एम बी ए लम्स वगैरह में, इन्वॉल्व्स स्वॉट एनालिसिस व्हिच डज नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू, इट डज नॉट कम विद एनी आउट ऑफ द बॉक्स इनसाइट्स। वो रवायती चीजें हैं ना, जी स्ट्रेंथ्स के हैं, वो हालात ठीक नहीं है, फलान ठीक नहीं है, वो चार पांच चीजें करने के बाद वो सारा खत्म हो जाता है। The main problem is that it gets too generic. तो बहुत generic बातें करते हैं। तो वो जनाब effectuation theory is much more powerful. Effectuation. तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अलामा बाल की कुछ नज़में थी, इमामत, निगाह फकर, और तो ये बताती हैं कि है वही तेरे जमाने का इमाम बरक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। लीडरशिप की निशानी क्या है, इकबाल कहते हैं लीडरशिप की निशानी यह है कि जो तुम्हें स्टेटस को से ना बेजार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, तेरे जमाने का वही आदमी सही सच्चा लीडर होगा, इमाम होगा, लीडर होगा कि तुझे हाजिर हो मौजूद से बेजार करे। जो स्टेटस को है ना उससे बेचैन कर दे, दिखाकर मौत के आईने में तुझे रुख दोस्त। और जो असल ऑब्जेक्टिव है ना, असल लीडर वो होगा जो तुम्हें असल मकसद हयात के ऊपर ले आए। असल मकसद हयात क्या है, दिखाकर मौत के आईने में, ये तुम्हें मौत की याद कराकर, मौत के मिरर में तुम्हें रिफ्लेक्शन कराए, दिखाकर मौत के आईने में तुझे रुख दोस्त। रुख दोस्त कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
जो तुम्हें मौत के मिरर में ये बताए कि ऐ मेरे साथियों वी आर गोइंग टू मीट अल्लाह सुब्हान तआला वेरी सून, तो आप एक एक लम्हा जो है ना इसको स्टेटस को में मत गुजारो, इससे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक एक मिनट, अभी जो 2 बजे हमने 30 मिनट्स गुजर चुके हैं ना, ये 30 मिनट्स वॉज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में अपने दिलो दिमाग अपनी सोचों को इतना प्रोग्रेसिव करो कि मैंने पूरी दुनिया में लोगों को खिदमत कर देनी है, पूरी दुनिया में लोगों को नई इनोवेटिव क्रिएटिव और पॉजिटिव चीजें दे देनी है और मैंने रहमत बन जाना है। तो ये है लीडर जो ये चीज पैदा करता है अपने कौम में, अपने बंदों में, जवानों में, स्टूडेंट्स में। उसको वही है तेरे जमाने का इमाम बरक कि तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, दिखाकर मौत के आईने में तुझे रुख दोस्त, तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे, तेरे लिए जो प्रेजेंट मोमेंट है ना वो बेचैन कर दे। तुम बेचैन हो जाओ कि यार ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तो खत्म होने वाली है, तो अगला आधा घंटा अगला 2 घंटा मैं बजाय इधर फालतू व्हाट्सएप के और फालतू चीजों देखने के लेट मी डू समथिंग। तो हमारे तकी साहब हैं, उनसे भी MBA स्टूडेंट हैं हमारे, और MBA के एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट के और BBA के और बच्चों ने EMBA के लोगों ने मिलकर इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं। और अल्लाह कराची यूनिवर्सिटी वालों को जदाए खैर दे कि उन्होंने उनको जगह दे दी एग्रीकल्चर बिजनेस डिपार्टमेंट के हॉल के अंदर, उन्होंने यहाँ पर फूड आइटम्स खरीदे और अपने नेटवर्क को इस्तेमाल किया बर्ड इन हैंड को, और वो रोजाना 400-500 घरों में राशन पहुंचा रहे हैं IBA के बच्चे। अल्लाह अकबर, लुक एट दिस। मैंने विजिट किया था 2-3 दिन पहले, अभी तकी इंशाल्लाह 2-3:20 पर ऑनलाइन होंगे एंड ही विल शेयर। अब वो बेचैन है लड़के, यार ये भी तो किसी माँ बाप के औलाद है यार, तो ये सेफ्टी हेल्थ का कोशिश कर रहे हैं ख्याल रखना, और सिर्फ कंपनी से रब्ता किया, सस्ता आटा चीनी दालें इकट्ठी करके रूह अफजा, कुछ लोग ज़कात के पैसे भी दे रहे हैं, और विदाउट एनी व्हाट्सएप एंड फेसबुक फोटोग्राफी, ये बाइकिया के लोगों को एंगेज कर लिया, क्रीम के लोगों को एंगेज कर लिया, उनको जॉब मिल गई कुछ 15-20-25 लोगों को, और ये कराची में रोजाना 400-500 लोगों को, ये हमारे IBA के बच्चे। तो ये देखना, ये है ना जो हाजिर व मौजूद से स्टेटस को से बेजार होकर ये खड़े हो गए और जनाब अल्लाह ताला से मिलने के लिए बेकरार हैं और हर लम्हे को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। हमारा भी हिस्सा इसके अंदर हो सकता है। तो यूगन तकी साहब अभी इंशाल्लाह आएंगे एंड ही विल शेयर हाउ दे आर डूइंग। ये फाइंड माइंड्स ऑफ ए मैनेजर हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, तो इसलिए इसको मैं आगे चले कोशिश कर लेते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा एक दिन मैंने सेशन दिया था, उसकी एक पिक्चर मैंने अपने याद के लिए लिख ली थी, तो इसमें हमने बताया था कि जो हमारी जर्नी है वेस्ट से डॉक्टर इकबाल से और जो हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा एवोल्यूशन इर्तका हुआ है कि हमारी सोचें हमारा दिलो दिमाग क्यों बंद हुआ है और तो उसमें दुनिया में क्या क्या इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में चोटें, पढ़ना, लोगों से मिलना और दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें विजडम दे और दानाई दे और ऐ मेरे अल्लाह ताला हमें वो सच्चाई दे। तो वी हैव टू बी अ ट्रूथ लवर, हमें सच्चाई से मोहब्बत करनी चाहिए, इलम जहाँ से मिले वो ले लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कलर, यानी किस फ़िक़्ह से हैं, हमें सच्चाई मिल जाए तो उसको ले लें और किसी को नफरत नहीं काबिल नफरत नहीं समझना। सारी दुनिया के इंसान एक फैमिली है, वी आर कजन्स, हम रिश्तेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिश्तेदार हैं। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर इब्राहिमी और नूह अलैहिस्सलाम के खून के ट्रेसेस हैं। तो इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत जो है ना वो अच्छी है ही नहीं, वो नहीं बनती, ये इतनी बनती नहीं है। तो हमें अपने अंदर कैपेसिटी बनानी होगी कि हम अपने नुक्ता नज़र को, जैसे इमाम शाफई कहते थे कि मैं अपनी बात को सही समझता हूँ लेकिन उसमें गलती का इम्कान रखता हूँ, और मैं अली राना साहब, फहद साहब बन जी ये हमारे साथी हैं, इमाम खान, इनकी बात को गलत समझता हूँ लेकिन हो सकता है इनकी बात में सही होने का इम्कान भी हो। तो हतमी अथॉरिटी जो है ना वो हमारे पास है नहीं, जो हतमी अथॉरिटी है वो अल्लाह के नबी होते हैं और वो जब जिंदा होते हैं तो फिर वो बता देते हैं। अब बाकी गाइडलाइंस हैं कुरान के अंदर, तो किसी को कह देना कि ये एक हमारी अथॉरिटी नहीं है, तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। जिम कॉलिंस अगले हमारे राइटर थे, बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, कमाल के आदमी हैं, 4-5 किताबें हैं। आई थिंक जिम कॉलिंस की किताबें आपकी बुक कलेक्शन में होनी चाहिए। लेवल 5 लीडरशिप, ट्रायंफ ऑफ ह्यूमिलिटी, यानी कि आरजी की जीत,
और फियर्स रिजॉल्व कहते हैं कि जनाब आपका अजम यानी खुद ही में डूब कर अजम और हिम्मत वालों ने, ये देखें अल्लामा इकबाल हर टॉपिक का शेर मिल जाता है, खुद ही में डूब कर अजम और हिम्मत वालों ने इस आबजू से किए बहरे बेकराम पैदा। आबजू कहते हैं नदी, तो अभी लेवल 5 लीडरशिप में यही कहते हैं वो कि जनाब लेवल 1, 2, 3, 4 तक पहुंच जाता है आदमी, 5 जो है ना उसके लिए आजजी चाहिए। दो मुतजाद चीजें हैं, एक तरफ आजजी चाहिए, दूसरी तरफ जुनून चाहिए, और दूसरी तरफ करने का धुन चाहिए। तो ये दो चीजें चाहिए। तो एक मिनट को मैसेज तो नहीं आया जनाब, लेट मी सी देयर एनी मैसेज फ्रॉम, यहां से पता नहीं कैसे खुलता जनाब, एक मिनट मैं चेक कर लूं, मैसेज देख लें आगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, शमसुल्लाह साहब हैज जॉइंड, सो लेट्स गो बैक। तो आवाज आ रही जनाब सैफ रहमान अली राणा साहब, आवाज आ रही सलमान सिद्दीकी साहब? सर यस सर बिल्कुल आ रही है। असल में क्योंकि ना इंटरएक्टिव रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे जल्दी से खत्म करना था, आधा घंटा उसके बाद फिर इंटरएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है जी? जज़ाकअल्लाह। तो जनाब जिम कॉलिंस साहब कमाल के आदमी है, वो ये कहते हैं कि जनाब आपको ये जो है ना ये चाहिए मिडिल में, what are you passionate about, what can be best in the, what you can be best in the world, what drives you, your economic engine, the hedgehog concept. So bada acha hai usme, wo wahi ye bhi wahi baatein karte hain, aur ke alternative management models mein humility ki, aajzi ki, aur wo ye kehte hain ki duniya mein jo top leaders hain good to great aur built to last, usme wo ye kehte hain ki wo log the jo I ka lafz istemal nahi karte, we ka lafz istemal karte hain. ये सीईओज हैं, अक्सर सीईओज एमबीएज नहीं है, ये लोग वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब इनसे कहा जाता है आप कामयाब हो गए, आपकी कामयाबी की वजह क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारी टीम कामयाबी की वजह। जब उनसे और जोर कहते हैं कि यार नहीं नहीं कोई वजह तो और भी कोई वजह होगी, वो कहते हैं इट वॉज प्योर लक। जो फेथ बेस्ड होते हैं, ईसाई होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये तो लक भी थी लेकिन ये अल्लाह ताला ने किया है। और इनसे इनके मुकाबले में अगर दूसरे मॉडल को देखा जाए, एरोगेंट मॉडल को, एरोगेंट मॉडल जो है वो हमेशा ये कहते हैं मैंने किया, मैं, हाँ जी मैं वो बकरी वाली मैं चलती है। इसके मुकाबले में इन लोगों को कहा जाए कि भाई आपने फलां जगह गलती कर दी, कंपनी नुकसान में चली गई, तो क्या हुआ, वो फौरन कहते हैं ये मेरी गलती थी और सारी गलतियां अपने ऊपर लेते हैं। तो अजीब बात है, मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल टूल्स यूज कर नहीं करते, मार्केटिंग के लिए वर्ड ऑफ माउथ और सादा चीजें नेचुरल। वो दूसरे यार लोग जो हैं वो हमारे बहुत, वो कहते हैं झूठ बोलो यार, इतना झूठ बोलो कि झूठ सच बन जाए। फंडिंग फाइनेंस के हवाले से जिम कॉलिंस के जो लोग हैं ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है, स्लो होंगे तो हम जीत जाएंगे यार, स्लो एंड स्टेडी विंस। वो कहते हैं यार किसने जिंदगी देखी है 2-3 साल के लिए, तो मैं इस कंपनी में हूँ तो हार्वर्ड, ये हेनरी मिंसबर्ग कहते हैं हमारे एमबीए माजद के साथ, मैं हार्वर्ड के एमबीए की बात करूँ, एग्जेक्टिव एमबीए वाले एमबीए की बात नहीं कर रहा, ये डिफरेंट लोग हैं। तो ये माशाल्लाह तभी तो इनको लव देम एंड वी वांट टू वर्क विद देम। और क्योंकि आप मॉर्निंग में नहीं ना कर रहे बच्चों, तो फिर आप हम जो मर्जी पढ़ा लें वो 10-15% ये असर होना है आपको, तो इसलिए यू आर लकी वंस, यू आर द चोजन वंस माशाल्लाह। तो वो फिर जिम कॉलिंस कहते हैं कि इन लोगों की जिंदगी में ना कोई चोट लगती है। तो जैसे वो स्कॉच पेपर था, उसका जो सीईओ था उसके बचपन में उंगली कट गई, यतीम हो गया। इसी तरह एक और था सीईओ, वो जहाज में बैठने लगा, आखिरी वक्त पर काम पड़ गया, वो रुक गया, उसका जहाज क्रैश कर गया। तो इस तरह की जिंदगी में कोई ना कोई हादसा, कोई चोट, कोई बीमारी, कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है जो उनकी जिंदगी को पलट देता है। तो लेवल 5 लीडर के लिए वो कहते हैं कि ये वाकयात कोई फेथ का एक्सपीरियंस हो गया, कोई ख्वाब आ गया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, तो ये चीज़ें भी इंटरेस्टिंग है। तो जनाब आगे हम, ये केस था जो मैं पढ़ा नहीं सका, सेमको स्टोरी, ये केस स्टडी है ब्राज़ील, ये कमाल का केस है। इसका जो फाउंडर है उसने अपने बेटे को जो हार्वर्ड का ग्रेजुएट था उसने अपना सक्सेसर बनाया, और उसने जनाब हार्वर्ड में जो पढ़ा था ना सारा काम उसके उल्ट किया है।
जो HBS के MBA प्रोग्राम में पढ़ा था ना वो उसके उल्ट किया। उसने कहा कि HR के जो प्रैक्टिसेस हैं उसके उल्ट करूंगा, मार्केटिंग के प्रैक्टिसेस हैं उसके उल्ट करूंगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है सेमको, दुनिया की अजीब कंपनी है, जहां पर ये जो मालिक है ना ये भी मालिक नहीं है, और वो जो गवर्निंग बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें लोगों को बारी बारी मौका मिलता है वो बारी बारी उसके अंदर आते हैं और फिर वही उस महीने के लिए, दो महीने के लिए हुक्मरान होते हैं, और उसके अंदर हर आदमी अपनी सैलरी खुद मुकर्रर करता है। तो मैं केस आपसे शेयर कर दूंगा। तो इन्होंने कहा है कि हम अल्टरनेटिव मैनेजमेंट मॉडल पेश करेंगे कि अपनी ज़रूरत, अपनी फैमिली की ज़रूरत, अगर घर का किराया जिस इलाके में तुम रहते हो ज़्यादा बढ़ गया है तो खुद ही तय कर लो ना, अपने खर्चे देखकर और बिजनेस मॉडल देखकर आप खुद ही तय कर लो अपनी सैलरी कितनी होनी है। तो सैलरी तय करने के लिए एवरीबॉडी इज एम्पावर्ड, अपने आप को प्रमोट करने के लिए आप एम्पावर्ड हैं। उसने वो खींचतानी खत्म कर दी यार, अमेजिंग। यानी एक अजीब कहानी है कि जो हम सारी भाग दौड़ लगी हुई है, आगे निकलना, भागना, पैसे, सीनियर जूनियर, उसने उसको उठाकर ही बाहर फेंक दिया। अब चूंकि टाइम थोड़ा है तो ये इसलिए रह गया, तो ये फाइनल इम्तहान के लिए अगर कोई एक आइडिया तो ये था कि अगर कोई लोग उसको लेना चाहें तो उसका केस पढ़कर इसके ऊपर इसकी की लर्निंग जमा कराएं। मे बी अनदर इंटरेस्टिंग केस मोराको का है, यन्ना। एक मिनट ठहरिएगा जरा, 10 सेकंड, आई विल बी जस्ट रिटर्निंग। सॉरी, यन्ना मोराको की कंपनी है, इसकी उसके ऊपर एक PhD है उन्होंने। मैं US में था तो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में, तो उन्होंने केस अपने PhD का थीसिस इस पे किया काम। यन्ना मोराको, मोराको इज एन अफ्रीकन कंट्री और मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस है। यन्ना एक साहब हैं जिनका निकनेम है, तो उन्होंने एक कंपनी खोली है और वो $1 मिलियन मैन और टॉप अफ्रीका के आई थिंक टॉप 4-5 रिचेस्ट पर्सन होंगे। तो उसका नाम है यन्ना और उसकी खूबी है स्पिरिचुअल लीडरशिप इन मोराको। तो वो इस पूरी इसकी जो PhD थी इस बात के ऊपर थी कि यन्ना साहब की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं और जो अल्टरनेटिव मैनेजमेंट मॉडल था उसको उसने कैसे जनाब इस कंपनी को $1 मिलियन कंपनी बनाया और वो पूरी कंपनी को फैमिली बनाकर कैसे रखता है। तो ये केस भी जो एक इम्तहान ये भी हो सकता है। तो यन्ना की जो कंपनी है इसके जो ओनर हैं अब इंतकाल हो गया उनका चंद साल पहले, तो वो अपने इर्द गिर्द के 100, 200, 300 लोगों के नाम याद हैं उनको, और वो उनकी उनकी रिटेल आउटलेट्स में, उनकी रियल स्टेट में आउट और चेन्स में, उनकी किसी भी दुकानों पर जो है वो वाइन और ये चीज़ें नहीं बिक सकती। ये चूँकि टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो शराब आम होती है, लेकिन इनकी दुकानों पर ऐसा इजाज़त नहीं। और जहाँ पर भी इनकी रियल स्टेट बनेगी तो इनके यहाँ मस्जिद उसमें लाजमी बनाई जाएगी, और उसके अलावा इनको इनके जो अपने स्टाफ के लिए ट्रेनिंग, मोटिवेशन और खिदमत, इनको प्राइम मिनिस्टर बनने की दावत दी गई। इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे इससे आज़ाद कर दें क्योंकि आई थिंक मेरी खिदमत करने की सलाहियत कम हो जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे एक PhD प्रोफेसर ने पूरा थीसिस इस पर किया है, तो उसका पेपर मौजूद है। उसके बाद जनाब सातवां जो आर्टिकल था ये फरजाद साहब की एक रीडिंग थी जो हम शायद नहीं पढ़ सके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटोरिक और रियलिटी। तो फरजाद साहब कहते हैं कि CSR जो है ये अमेरिकन लिटरेचर से हवाला देकर कहते हैं कि ये ढोंग है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन गरीबों का फिर भी चलो कुछ भला हो जाता है। क्योंकि बैंगरों से अगर कोई हैं तो नाराज ना हो रहे, तो वो हमारी बेटियों को, माओं बहनों बेटियों को, उनको ठंड पड़ी जब ट्रकों पर बैठा दिया कि भाई आप अपनी बेगम बेटी को कहीं ना ट्रक चलाओ, आप खुद तो इधर कराची के बेहतरीन कंफर्टेबल DHA विलास में बैठे हुए हैं, आपकी बेगमात पार्टी कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, और आपने वुमन प्रमोशन के नाम पर उन देहातों में और उन ख्वातीन को लिया और उनको जनाब ट्रेन करा के ट्रकों पर, वो ट्रक इतना बड़ा है तो एक मंजिल की हाइट की उसका टायर का साइज है। तो हम वुमन एम्पावरमेंट के बिल्कुल हक में हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई उनको ऐसे काम सिखाते हैं ना जो उनको रेलेवेंट होते हैं। आप अपनी बेगम को सिखाएं ना ट्रक, उसको कहीं चलाएं कराची के अंदर ट्रक, CEO जो है इन कंपनियों के,
और जो अक्सर लम्स और आईबी के ग्रेड्स हैं, वो उनको अपने बहनों को अम्मी को कहना, अपनी दादी अम्मा को कहना चिलान ट्रक, आपको वो गांव देहातों की कमजोर खुवातीन नजर आई, आपने उनका सोशल फैब्रिक तोड़कर रख दिया। हाँ जी, तो ये सीएसआर के नाम पे रिटोरिक है, मतलब हम बिल्कुल चांद पे जाए खुवातीन, कोई मना ही नहीं है। हमारे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोल, हजरत आयशा का रोल, हजरत फातिमा, हजरत मरियम, अमेजिंग स्टार्स, दीज आर ग्लेजिंग एग्जांपल्स, ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप। चांद पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन यह कि वो आपने उनको मतलब ट्रक पे क्यों बिठाया, अगर कोई बैठना चाहे, लेकिन आपने मतलब द वे दे डू इट इज, क्योंकि फरजाद साहब इज एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। कॉर्पोरेट इफेक्चुएशन का जो एरिया है ये हम कवर नहीं कर सके। कॉर्पोरेट इफेक्चुएशन ये कहते हैं कि जनाब आप इफेक्चुएशन प्रिंसिपल्स हैं, सरस्वती साहबा का दो दिन पहले जो लेक्चर हुआ, कि जितने भी हमारे टॉप नॉच कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं दुनिया की और पाकिस्तान की खास तौर पर, के इलेक्ट्रिक हो जाए, सीमेंस, ये यूनिलीवर, पीएनजी, इन सबको इफेक्चुएशन पढ़ने की जरूरत है। और ये चूंकि इस वक्त शहजादों बादशाहों वाले मॉडल में रहते हैं कि प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, मैकिन्सी को हायर करो और काम करो, तो कॉर्पोरेट इफेक्चुएशन ये कहती है कि जनाब आप अपना बर्ड इन हैंड तलाश करो, अफोर्डेबल लॉस देखो और इंटरेक्ट करके आप नई अपॉर्चुनिटीज बनाओ। तो कॉर्पोरेट इफेक्चुएशन जो है ये थोड़े 100 गुना यार कम पैसों से वो काम, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक कम पैसों से वो काम करवा देती है। तो हमारे कॉर्पोरेट, आप देखें ना, असल में मसला ये है कि लग्जरियस लाइफ कहाँ जाएगा लम्स और आईबी के ग्रेजुएट्स का, तो वो जो लग्जरियस मॉडल है ना उस पर चोट लगती है, दैट इज द रेजिस्टेंस। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, दुबई का ट्रेवल और फर्स्ट क्लास टिकट, तो ये मसला होता है एक्चुअली, दैट इज वाई इट्स बिट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखा कि जनाब वो जर्मन प्रोफेसर है, उसने कहा ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट गिव विंग्स टू योर लीडरशिप स्टाइल, यार इंसान बनो इंसान, तो वो म्यूनिख की प्रोफेसर है। फिर हमने आईडी फ्रेश का केस देखा इंडिया के अंदर, 3 भाइयों का, मुसलमानों का, और वो हमने देखा गांव से निकले और उन्होंने एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर बनाई और इंडियन टॉप नॉच मल्टीनेशनल ने उनसे 1 बिलियन की खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम जो है ना वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम एक तो ये है कि हम लोगों को फ्रेश नाश्ता देना चाह रहे हैं, खाने की चीज, खालिस चीज़ें देना चाह रहे हैं, दूसरा हम मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सूद के बगैर भी कारोबार हो सकता है, तो हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम खुदा को राज़ी करना चाहते हैं और हम खुदा ताला को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड लेवरेजिंग और ये ब्लैक एंड शोल्स मॉडल और डेट एंड इक्विटी के फार्मूलों के बगैर भी काम हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास, द स्टोरी ऑफ मिस्टर पैच, ये जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल आया था तो वहाँ से हमने इसको रिसर्च किया। डॉक्टर पैच एक MBBS डॉक्टर हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा नाकाम हुए, तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरे अंदर, मैं मर नहीं रहा तो शायद मुझे, तो यहाँ से ये स्पिरिचुअलिटी फेथ की तरफ इसकी तवज्जो गई और ये डॉक्टर बना। डॉक्टर बनते हुए इसको एक्टिंग का शौक था, उसने देखा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ना ये तो सारे खुश्क हैं और ये तो एवरीबॉडी इज ऑब्सेस्ड विद टेस्टिंग, टेस्टिंग का शौक है, लेबोरेटरीज का, रेडियोलॉजी का, तो ये इंसान को तो देख ही नहीं रहे, उसकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ से उसने कहा कि इंसानों को देखना चाहिए, उनके दिमाग को, उनकी उनको हंसाना, उनको मेक देम हैप्पी, मेक देम रिस्पेक्टफुल, मेक देम फील डिग्निफाइड। तो यहाँ से उसने वो काम शुरू किया और वो एक अजीब अस्पताल बन गया, पैच एडम्स, तो उसके अस्पताल का नाम है गिजुंड हाइट और हॉलीवुड ने इसको फिल्म भी बनाई है हल्की सी। वैसे जी सर ये पैच एडम्स पर तो हमने काफी डिस्कशन करी थी, वैसे आपने वीडियो में एग्जैक्टली, बस मैं तो क्विकली गुजर रहा हूँ क्विकली। तो जनाब तो ये पैच एडम्स साहब, उसके बाद अगर हमने ये आगे मैंने काटा हुआ, डॉक्टर अजरा US के अंदर होती है, पावर ऑफ वोक, तो ये इलामा इकबाल का कलाम यूज करती हैं, शी इज वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी मॉडर्न लेडी, लेकिन शी इज यूजिंग इकबाल, शी इज मेडिकल डॉक्टर इन न्यूयॉर्क समवेयर एंड शी इज यूजिंग लिटरेचर एंड गालिब एंड इकबाल एंड 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 प्रमोटिंग यू सी सॉर्ट ऑफ दिस प्रमोटिंग लव एंड सो ऑन। इसके बाद MSR कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियोसिटी, ये एक तहरीक चली थी। इस वक्त दुनिया भर के जो प्रोफेसर हैं अमेरिका में मैनेजमेंट के, देखिए 11,000 प्रोफेसर हैं,
11,000 प्रोफेसर ने 12-13 डिवीजन बनाए हुए, डिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी, एचआर, पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह 10 साल हो गए तकरीबन, एक नया डिवीजन बनाया गया स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियोसिटी, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि बियॉन्ड सेल्फिशनेस के लिए एक तो सेकुलर थाट्स हैं, लेकिन सेकुलर थाट जो हैं वो चूंकि मरने के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानता, तो अमेरिकन प्रोफेसर ने भी कहा कि यार ये तो बड़ा मसला है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं, मुझे पता है कि मैं तो, क्योंकि सेकुलर थाट अगर रिलीजन गलत हो तो वो भी बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर आपने एल्ट्रुइज्म कितना आएगा, कितने दूसरों के लिए मोहब्बत आएगी। तो इसलिए फिर उन्होंने एक नया डिवीजन बना दिया कि वो प्रोफेसर जो खुदा ताला को मानते हैं हम उनकी बात को भी ले लेते हैं। तो शुरू में ये छोटा डिवीजन था, 10-12 साल पहले मुझे याद है, इस वक्त ये काफ़ी बड़ा डिवीजन बन गया, बहुत सारे प्रोफेसर जर्नल्स केस स्टडीज इसके ऊपर अवेलेबल हैं, और इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं, वो जैसे वो हमने केस आगे आएंगे उनका मैं तस्करा करूंगा। उसके बाद हमारा गेस्ट स्पीकर सेशन हुआ था सदीक साहब के साथ, जो चेयरमैन ये कराची चैम्बर में रह चुके हैं, बहुत बड़े सनतकार हैं, और उन्होंने आजी के साथ हमारा माशाल्लाह खताब किया, कराची फूड्स वालों ने खताब किया, आरिफुल्ला हसैनी साहब कमांडर कराची और कमांडर कोस्ट गार्ड और वाइस एडमिरल रह चुके हैं, उनका खिताब था। तो हर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सदीक साहब ने मुझे याद है क्या बात कही थी, खिदमत ईसार कुर्बानी की। महमूद साहब ने ये बताया था कि वो अपने 300 मुलाजमों के साथ कैसे मोहब्बत से पेश आते हैं, और आरिफुल्ला हसैनी साहब ने ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान कौमी तराना और मशवरे की इम्पोर्टेंस। सफदर हुसैन जो है ये मेरे कोलीग रहे हैं लम्स में, और ये गाँव से आए थे, ही टॉक्ड अबाउट हिज जर्नी एट लम्स एंड ही हैज़ बीन इन 3 बिग कंपनीज। तो उन्होंने बताया कि जो कैरियर हैं वो CEO चंद लोग बनेंगे तो आप अपने आप को मल्टी स्किल्स तैयार करें। मुबशर जो है हमारे CED की टीम बेहसा थे, न्यूजीलैंड में होते हैं, PhD भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और वहाँ खिदमत काफ़ी कर रहे हैं, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। अगला हमारा एक आर्टिकल था इकोनॉमी ऑफ अबंडेंस, कसरत की दुनिया जो है अल्लाह ताला ने, हमने वो थोड़ी सी वीडियो देखी जीसस फीडिंग 5,000 मैन, और फिर हमने मुफ्ती साहब हमारे उनको भी बुलाया था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा वाकया पेश आया, पानी नहीं था तो प्याले में उन्होंने अपनी उंगलियां डाली और पानी का प्याला सैकड़ों हजारों लोगों के लिए काफ़ी हो गया। तो जो बरकत का जो कॉन्सेप्ट है ना, बरकत, अब ये बरकत का कॉन्सेप्ट है, इसकी इंग्लिश में तर्जमा नहीं है, तो इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जनाब इसको आप अल्लाह से दुआ करें, इसको एक्सपीरियंस करें, तंग नज़री से बाहर निकलें। जितने भी मैनेजमेंट है वो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करती है, और एंटरप्रेन्योरशिप और अल्टरनेटिव मैनेजमेंट स्कैसिटी की बात नहीं करता। एक मूवी थी हम नहीं देख सके, एनिमल फॉर्म, ये आपको गूगल यूट्यूब करेंगे तो बड़ी शानदार मूवी है, जिसमें जानवर हैं और वो जानवर जो है ना बगावत करते हैं और अपने मालिकों को भगा देते हैं। तो वो जानवर जो है वो उसमें जो सूर जो होता है ना पिग, ये चालाक है, तो ये बड़ी शानदार मूवी है, बहुत ज़बरदस्त नॉवल भी है। तो वो जो है ना इस बगावत को लीड करता है, और वो कहता है कि देखो ये मालिक जो है ना घड़े गधे को मारते हैं, मुर्गी को भी दाना नहीं दे रहे, और वो जो ना भैंस भी बीमार पड़ गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया, ये खुद गर्ज हैं, ये सेल्फिश हैं, ये अपने कॉपरेट मॉडल पर चलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पर बिलीव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ये बिलीव करते हैं, जानवर बीमार हो जाए तो जबा कर देते हैं। तो ये बगावत होती है, ये इंसानों को भगा देते हैं, तो फिर ये जो है ना पिग जो है ना ये बन जाते हैं वहाँ के सदर वजीर आजम। तो जो पिग बन जाते हैं तो पिग जो है ना उनकी जो कम्युनिटी है ना वो वही काम करते हैं जो इंसान कर रहे होते हैं। तो ये आराम से बैठकर ड्रिंक करते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल इनका हो जाता है। तो वो फिर उनसे कोई जानवर पूछता है कि आर नॉट ऑल एनिमल्स इक्वल, तो फिर वो जवाब देता है कि सम एनिमल्स आर More equal than others। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है जो हम यूज़ करते हैं ये बात समझाने के लिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सेल्फिश मॉडल कैसे काम करते हैं। ये असद जमान साहब की कुछ रीडिंग्स थी, ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न सोशल साइंस, ये भी देखने का मौका मिला, और हमने डीएफिकेशन ऑफ साइंस एंड इट्स डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। डीएफिकेशन कहते हैं खुदा बना लेना। तो साइंस की वो चीज़ें जो ग्रेविटी का लॉ है, एक्सेलरेशन का लॉ है, Vf = Vi + ½ at,
जो ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लॉज हैं जो यूनिवर्सल हैं, तो ये तो हम समझ में आती है कि ये लॉज इम्पोर्टेंट हैं, और ये हमें समझना होगा कि ये लॉज बनाए नहीं गए, ये ऑब्जर्व करने के बाद इंसान ने दो चीज़ों का, चंद चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप देखा और उस रिलेशनशिप को जो ऑलरेडी था उसको डिफाइन कर दिया एक लैंग्वेज में, वो मैथ की लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। तो ये एक तो असल खूबी बनाने वाले की है, जिसने ग्रेविटी को बनाया, जिसने फिजिकल एक्सेलरेशन को बनाया, और जिसने जनाब बॉयंसी को बनाया, जिसने जनाब करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को बनाया, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को बनाया, तो असल खूबी तो उसकी है, और जिन्होंने आपको ऑब्जर्व किया वो भी काबिल तारीफ है, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें डिजास्टरस क्यों हुए, वो इसलिए डिजास्टरस हो गए कि एक तो सोशल साइंस वालों को, वेस्ट के जो सोशल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी इनकी रीडिंग्स को, सर ये भी आर्टिकल है, हाँ ये आर्टिकल है, पूरी आर्टिकल है जी, डीफिकेशन ऑफ साइंस, जरा मुश्किल है, इंग्लिश बहुत मुश्किल है, तो आई कैन शेयर इट विद यू, इट्स वर्थ रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर असद जमान साहब MIT के पढ़े हुए, तो इनका ये आर्टिकल गूगल पर भी अवेलेबल होगा, वरना मैं भी दे सकता हूँ। तो वो वो जो हुआ ये ना कि ये जो बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट और फिजिस्ट थे ना, वो सोशल साइंस वालों को साइंस मान नहीं रहे थे, वो कहते थे अल्लाह के बंदो ये तुम्हारी साइंस नहीं है, तुम्हारा जितने भी फार्मूले या लॉज है ना, ये सप्लाई एंड डिमांड का जो लॉ है, ये इज नॉट एज रिगरस एज फिजिकल टू MA एंड आइंस्टाइन थ्योरी, ये उस लेवल का नहीं है, ये सप्लाई एंड डिमांड के साथ बहुत सारी अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस इतनी ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको उस लेवल का लॉ मत समझो। तो इन लोगों ने उस गुस्से में या उस जज्बे इंतकाम के जज्बे में आकर ये किया, चूंकि रिलीजन को ये छोड़ चुके थे और उसके वजह पादरी थे और मादियत भी थी, तो इन्होंने फिर ये इंटरेस्टिंग काम ये किया कि इन्होंने उसको एज अ साइंस डिक्लेयर कर दिया, और साइंस डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा किया और डाटा को टेस्ट करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए, एक्सपेरिमेंट बनाए, और वो अजम्पशंस ले ली बहुत सारी, और उस अजम्पशंस को जब लेते हैं तो वो स्टैटिक हो जाता है, फिर वो मॉडल मॉडल रहते नहीं है, वो तो बहुत दूर एक डेड मॉडल बन जाते हैं। तो इस तरह के जो डेड मॉडल्स हैं साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में और फिर मार्केटिंग में और उसके डिराइव, वो इस तरह के जो मॉडल हैं जो रियल लाइफ से बहुत दूर हैं, क्योंकि अजम्पशंस बहुत लेनी है। लेकिन वो उस उन किताबों में गोरों का नाम आ गया और उन किताबों का नाम आ गया, अमेरिका यूरोप का नाम आ गया, तो इनको वो सेक्रेट हैसियत मिल गई, जो किरशॉफ्स लॉ और ओहम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ और जो इनको एक मुकाम है, यूनिवर्सैलिटी है, इन्होंने इनको धोखे से और झूठ बोल के उसको उस लेवल पर ले गए। और इस वक्त हमारी बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की जितनी किताबों में ये लॉस पढ़ाए जाते हैं, ये उसी दर्जे की ट्रुथ के साथ पढ़ाए जाते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है, इनके अंदर ट्रुथ बहुत कम है, इनके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर अजम्पशन बहुत ज़्यादा ली गई हैं। तो नुकसान ये होता है कि हमारा जो पाकिस्तानी और मुस्लिम स्टूडेंट है वो इनको भी वो अहमियत देकर खुदा बना लेता है, हम इसको एज ए खुदाई इलामी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, और हम गोरे का नाम आ गया, गोरे की चीज़ आ गई, तो हम उसके आगे सरेंडर कर देते हैं और हमारे अंदर जरूरत नहीं रहती कि इसको चैलेंज कर सकें, इसको आर्ग्यू कर सकें। तो जिसकी वजह से एक अजीब मजहब ने भी गलत यूज़ ने भी हमारे ऊपर ये कैद पैदा की और दुनिया के साइंस के गलत इंटरप्रटेशन ने भी हमारे दिमाग को कैद कर दिया, तो हम डबल कैदी बन गए। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि आप खुद साइंस को देखें भाई, लेकिन उसको खुदा, फिजिक्स केमिस्ट्री की चीज़ें यूनिवर्सल हैं, जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो खुदा की दी हुई हैं, और जब सोशल साइंसेज में आप जाते हैं तो वेरिएबिलिटी सर बहुत ज़्यादा है, इंसान लोहा लकड़ी पत्थर नहीं है, मेरे जज्बात, मेरे इरादे, मेरे अंदर की खूबियाँ कमियाँ बदलती रहती हैं सुबह दोपहर शाम, मैं अच्छा इंसान भी हो सकता हूँ, दरमियाना भी, बहुत गंदा भी। तो ये जो वेरिएशन है इसका ताल्लुक बहुत सारे वेरिएबल के साथ है, कोई ऐसा मॉडल बनाकर मैं किसी पर फिट नहीं कर सकता। तो ये इनकी और चीज़ें हैं, तीन आर्टिकल्स मैं बढ़ा नहीं सका। तो ये जो कंट्रास्ट बिटवीन वेस्टर्न इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक अप्रोच टू ह्यूमैनिटीज, लॉजिकल, ये ज़रा मुश्किल है इनको, तो जो जिनको अल्लाह मौका दे ये लेटर ऑन इसको पढ़ सकते हैं। इनकी वीडियोज़ भी शायद डॉक्टर साहब ने तैयार की हुई हैं। उसके बाद हमने गेस्ट स्पीकर सेशन डॉक्टर मजहर को बुलाया था, विजन के थे, खैरुन्निसा अस्पताल के, बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं।
अनवर डार साहब गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, मैंने उनके साथ काम किया, ही मेड मी हिज टीम मेंबर 2004 जुलाई, और ये 12 जमात का इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनके साथ काम किया, उन्होंने हमें गाइड किया और हमने इनको लीड किया, मैंने इनके लीड किया, उन्होंने मुझे लीड किया, और वो एक इंटरेस्टिंग जिंदगी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और हम गुजरांवाला में वी हैव वेरी गुड मेमोरीज कि एक आम बिल्डर प्लम्बर फैमिली बिजनेस का बच्चा, अगर उसके जी आर ई जी मैट एडमिशन टेस्ट में नंबर नहीं आए तो ही इज़ नॉट डूम्ड टू फेलियर यार, बस करो इसको, ओपन द डोर्स अपने ठेकेदारी को, चौतराहट को, नंबरों को, लैंग्वेजेस के साथ मत अटैच करो, पूरी दुनिया जो है उसके इंसान कीमती है और इंसान जो है बड़े शानदार है। आज की रेटिंग यूनिवर्सिटी का नाम एक दफा रिपीट कर देंगे आप? यूनिवर्सिटी गुजरांवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो आप डार साहब के आपने बात देखें, कितनी सादा गुफ्तगू थी, कितनी कितनी नेचुरल गुफ्तगू थी, कितनी लगावट, यानी वो हाउ नेचुरल इट वाज, यानी चेयरमैन ने 50 पीएचडीज को एंगेज किया हुआ है, और इस वक्त जो वाइस चांसलर ने लिए हुए हैं वो ऑक्सफोर्ड लम्स ग्रेजुएट डॉक्टर फहीमुल इस्लाम इज ए यूईटी इंजीनियर, लम्स से एमबीए किया, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से और एमबीए किया, और ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की स्ट्रेटजी में, लम्स में पढ़ा चुके हैं कि एसबीएल में पढ़ा चुके हैं, अब इनके साथ लगे हुए। तो यार मतलब एफए पास बंदे के पास क्या पावर है यार, लीडरशिप की दुकानें बंद होनी चाहिए, लीडर लीडर लगाकर डार साहब से सीखना चाहिए। तो आप क्लास में अक्सर कहते थे ना, जो इनसे बात करता है वो इन्हीं का हो जाता है, तो वाकई वो इतनी सादा बात कर रहे थे कि उन्हीं का हो जाए इंसान। जी माशाल्लाह। तो जनाब ये इको इस्लाम है, ये जनाब बहुत इंटरेस्टिंग एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में पेपर था, तो उसने कहा कि बियॉन्ड द प्रिंसिपल ऑफ व्हाई एंड इनटू द प्रिंसिपल ऑफ हाउ, तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर एनवायरमेंट का, पानी का, मट्टी का, हवा का, इन्होंने रिसर्च की इस पेपर में कि कितना तस्करा हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि पानी, मिट्टी, हवा, इनको कुदरती हालत में रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और अल्लाह ताला ने इंसान को भी इम्पोर्टेंट बनाया है, और उसके साथ जानवर, मछलियाँ, परिंदे, हवा, पौधे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर मरकजी किरदार इंसान का। तो इस इस्लामिक तालीमात ये कहती हैं कि इसको उसी तरह ट्राई टू कीप इट एज प्योर एज पॉसिबल। तो ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, ये टॉक्स अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, हमारे ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल सादा होना चाहिए, केमिकल का इस्तेमाल कम हो, खाने में, खुराक में, पहनने में, सफ़र में, जो चीज़ें इस वक्त हमारे साथ हैं, ताकि ये ज़िंदगी, ये इसबाब, इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये दुनिया ख्वाहिशात की जगह नहीं है, ये ज़रूरियात की जगह है, ये दुनिया जो है एक एतबार से बहुत बड़ी है लेकिन ख्वाहिशात के एतबार से बहुत छोटी है। अगर हमारे फहद एहसान साहब कहें ना कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ये दुनिया छोटी पड़ जाए, और ये दुनिया ख्वाहिशात के लिए छोटी है, वांट्स के लिए छोटी है, नेसेसिटी के लिए ये दुनिया 10 अरब के लिए काफ़ी है, 20 अरब के लिए भी काफ़ी है, ठीक है जी। तो वो ये आर्टिकल बताता है कि जनाब हमें अपने वांट्स को छोड़कर नेसेसिटीज पर आएं, और अगर अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा दे दे तो वो उसको इस तरह इस्तेमाल करे कि उसमें फजूल खर्ची ना हो। बड़ी गाड़ी, बहुत पैसे मिल गए तो थोड़ी सी बड़ी ले लो गाड़ी, लेकिन आप बार बार कभी अली राना के घर के आगे खड़ी करके दिखा रहे हैं कि यार ये मेरी गाड़ी देखो, तो शो ऑफ ना हो और इसराफ ना हो, तो इस इंजॉय कर सकते हैं लेकिन इन शरायत के साथ। अगला आर्टिकल था अब्राहमिक रिलीजन एंड मैनेजमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन ऑन लीडरशिप थ्योरी, अली अहसन गुमुज़े यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है, ये हमारी दावत पर अलहमदिल्ला आईबीए कराची तशरीफ लाए थे, अपनी बेगम इनकी जर्मन है, दोनों टर्किश ओरिजिन के हैं बट जर्मन नेशनल, पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड ही हैज रिटन वेरी गुड पेपर्स। तो 3-4 दिन अपने बेटे के साथ या हमारे साथ गुजारे उन्होंने और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इनकी यूट्यूब पर भी सेशंस हैं हमारे एट आईबीए में, और यानी आप ये देखिए मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों में इतनी अवेयरनेस आई कि आईबीए के अंदर अल्लाह ताला का नाम लेना और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में अल्लाह ताला का नाम लेना इट वॉज नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली शलवार कमीज पहनना ये बहुत मुश्किल चीज़ें थी, 2010 में मैंने ज्वाइन किया, तो अब ये देखिए ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में लोग खुदा ताला का नाम भी ले रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी इम्पोज करनी चाहिए बात, लेकिन अपना नुक्ता नज़र कहने का हक होना चाहिए, और जो आदमी अपने लिए बेस्ट करे, पसंद करे, तो उसको प्रैक्टिस करने की ये इस दुनिया में इजाज़त होनी चाहिए।
अगली जो रीडिंग है ये मेरी मेरी लिखी हुई है, दिनेश न्यू एंटरप्रेन्योर लीडर, इसका खुलासा मैंने बयान कर ही दिया है, जो मैंने बोला है उसका समरी गालबन सारी इसमें आ गई है। एक एक्सरसाइज थी जो हम नहीं कर सके, वेयर डू यू वांट टू गो एक्सरसाइज, कि अगर अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी करेंगे, कि आपने जाना कहाँ है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, वो हेल्प करती है कि वो अपनी ओरिएंटेशन सही कर ली जाए। एक रीडिंग है, छोटी सी किताब है डिग्निटी, तो ये येल प्रेस ने छापी है, तो ये चूंकि नई किताब थी तो इसने मेरा दिल किया, मैंने ये ऐड डाल दिया था। जिनको अल्लाह ताला मौका दे वो इसको एटलीस्ट समरी पढ़ लें। तो ये मैम ये कहती हैं कि एवरीवन वांट्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, इट इज द यूनिवर्सल ह्यूमन यर्निंग, द लीडिंग विद डिग्निटी मेक्स द पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी क्लियर। ये खुद ही का कॉन्सेप्ट है, ये अलामा इकबाल जो कह रहे हैं ना वही चीजें माशाल्लाह दौना हिक साहबा ये अपनी किताब में कह रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं, ये वीडियोज हैं तीन जो अपना अवेलेबल है, कॉपरेशन की वीडियो है 3 घंटे की, अगर कॉपरेशन का मॉडल समझना चाहे तो ये आप यूट्यूब पर जाएं कॉपरेशन तो ये आप देख सकते हैं। असद जमान का तस्करा हो चुका है, इनकी वीडियोज अवेलेबल है, डीएफिकेशन ऑफ साइंस वगैरह, हेनरी मिंसफोर्ड की वीडियोज अवेलेबल। ये जो पूरा कोर्स है ना ये आई थिंक PhD लेवल का कोर्स है, और ये कई कोर्सेज की मदर है, ये जो कॉन्टेंट है 3-4 कोर्सेज के इक्विवेलेंट शायद हो, मैं खुद भी इसका तालिब इल्म हूँ और हमेशा ऐसे लगता है कि हम पढ़ा ही नहीं सके। ठीक है, फिले एक हमने केस पढ़ा है, आपको याद हो हार्वर्ड का अमेरिकन केस है, जिसमें उसने कहा कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम खिदमत वाले हैं, हम इंसानों का ख्याल रखते हैं, इतवार को छुट्टी करते हैं। यानी हद हो गई यार, पिज़्ज़ा हट KFC इतवार को छुट्टी करे, भाई वही तो कमाई का दिन है। उसने कहा यार आई डोंट वरी अबाउट द बॉटम लाइन, मेरे बंदों को सही होना चाहिए, मेरे बंदों को की जिंदगी मकसद वाली होनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर खाना पीना मकसद थोड़ा है, तो जानवर भी करते हैं। इस दुनिया में एक मकसद के लिए आए हैं, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस कायनात के मालिक को पहचानना है। इतवार को मेरे प्यारे टीम मेंबर्स सब जाओ करो इबादत, और झुक जाओ अपने खुदा के सामने, और खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने। तो जनाब अब ये भी तो इस दुनिया में रहने वाला इंसान है, और वो कहता है कि यार कोई गेश है प्लीज मेरी माजरत, मेरी कंपनी में ना आओ, कहीं और चले जाओ यार, ताकि तुम आओगे तो ये उनका ख्याल है। इससे ये केस, ये ABC ये केस है क्रिएटिंग ए स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअली फ्रेंडली कंपनी। इस केस के जो ऑथर है रेने ओमेट, और इस केस के लिखने वाले इनकी और इनकी टीम से मेरी मुलाकात हुई थी वैंकूवर में, और उससे पहले पेंसिल्वेनिया में गालबा। तो ये एक अजीब कहानी है, ये केस ABCDE है, लंबी कहानी है, तो ये आखिर में चूँकि थोड़ा सा क्याओस हो गया मैं पढ़ा नहीं सका। तो ये भी एक केस है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये रेने साहब है ना, ये कनाडा के हैं, मॉन्ट्रियल के रहने वाले, बहुत अमीर हो गए, फूड का बिजनेस करते थे, ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग, तो इतने अमीर हो गए, और उसके बाद पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, लग्जरियस लाइफ में चले गए। तो वो कहते हैं कि फिर ये मौका आया कि मैंने कहा कि ये लग्जरी की लिमिट है, वट नेक्स्ट। तो वट नेक्स्ट के नतीजे में मैं डिप्रेशन में चला गया कि सब कुछ तो मिल गया है, तो अब सुकून कहाँ से मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि सुकून की तलाश में मुझे सुकून ही ना मिला, तो फिर मैंने कहा कि यार खुदकुशी कर लेते हैं। तो मैं मरने की कोशिश शुरू की, तो मुझे एक पादरी से एक बंदे से किसी से मुलाकात हुई, उसने कहा यार अल्लाह के बंदे ये जो तुम्हें जो तुम्हारी दौलत है ना, ये तुम्हारी दौलत है ही नहीं। उसने कहा व्हाट डू यू मीन, ये तो मैंने कमाई है। उसने कहा कि ऐसा करो कि अगर तुम उसको समझना चाहते हो तो तुम जो है ना चले जाओ इंडिया, और तुम इंडिया जाओ और वहाँ पर एक खातून है मदर टेरेसा, तुम उसके पास जाओ, पता नहीं 60s, 70s, 80s का ज़माना था, इन्होंने टिकट ली एंड ही फ्लू ओवर टू इंडिया और मदर टेरेसा से मिले। तो मदर टेरेसा ने कहा कि बेटे, ये मदर होती हैं उनका बेटा, ये जो तुम्हारी मायूसी डिप्रेशन है ना, ये इसलिए कि तुमने समझे हो कि ये तुम्हारा है, ये तो तुम्हारा है ही नहीं, ये जितनी भी तुम्हारी दौलत है इट्स नॉट योर्स। उसने कहा किसकी है? उसने कहा ये खुदाए ताला की है, और ये खुदाए ताला ने तुम्हें अमानत के तौर पर ये जिम्मेदारी दी है कि ये एसेट, ये इक्विपमेंट, ये मशीनरी और इंडस्ट्री तुम्हारे पास अमानत है, तुम उसको लो, इसको रन करो, और इससे लोगों को जॉब्स दो, और उनको खिदमत करके कम खर्च के हाई क्वालिटी का खाना उनके घरों तक पहुँचाओ। उसने कहा अच्छा मेरी ये जिम्मेदारी है? उसने कहा जी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो कहता है कि अचानक मेरी दिलो दिमाग रोशन हो गए और मैं वहां से अजम के साथ वापस आया और मैंने पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया, लोगों को ट्रेन किया, एजुकेट किया, उनको एहसास जिम्मेदारी दिया कि हम कमाने के लिए नहीं आए, हम खिदमत के लिए आए हैं और खुदा ताला की रजा को हासिल करना हमारा मकसद है। और उसने इसने कहा कि रिफ्लेक्शन आवर्स, मुराकबा शुरू कर दिया कंपनी में, रिफ्लेक्शन रूम्स बनाए जहाँ पर खुदा ताला की बड़ाई को सोचेंगे, मरने के बाद की जिंदगी को सोचेंगे। और उसने कहा कि मेरी कंपनी में जितने लोग हैं कोई एम्प्लॉय नहीं कहेगा, ऑल विल बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बारी बारी ड्यूटी लगेगी, कभी कोई खाना दोपहर को खाना इकट्ठे खाएंगे। तो इसकी पूरी कहानी है ए बी सी डी। तो इस तरह करते करते इसकी कंपनी को वो उरूज हासिल हुआ कि बूढ़ा हो गया तो इसने अपने बेटों को जो MBAs थे कहा कि बेटा अब तुम संभाल। अब जो बेटे थे वो उस लग्जरियस मॉडल से नहीं निकल पाए थे, उन्होंने जब इस कंपनी को संभाला तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है, आपने खराती इदारा खोला हुआ है, ये कोई एडी सेंटर थोड़ा है, भाई बहन खाना बराबर ऐसे थोड़ी कंपनी चलती है, ये तो सिस्टम चाहिए, HR, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिस्टम, अकाउंटिंग, बॉटम लाइन। वो बाबा जी बीमार थे थोड़ा सा, इन दोनों बच्चों ने जनाब ये सिस्टम लाने शुरू कर दिए और उसके साथ ही इस कंपनी का जवाल शुरू हो गया। वो जनाब चंद महीनों में 7-10-12 महीनों में इसका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। वो वालिद साहब परेशान नहीं की हालत में वापस आए, बच्चों को फायर किया, तो तय ये पाया कि दे विल नेवर बी एबल टू कम एंड जॉइन, ओनरशिप रहेगी, हिस्सा मिलेगा, और वो वापस वो वैल्यूज, वो सिस्टम्स, वो मोहब्बत, वो भाईचारा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, असल कहानी है अमेरिका से, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैनेडा। तो जनाब ये इनकी यूट्यूब पर भी है, रॉबर्ट हुमिट एंड टोमासो कॉर्पोरेशन स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड ह्यूमन मैन, यूट्यूब क्लिप भी है इसका, पीपल नॉट ए मींस टू एन एंड देयर एन एंड। वो कहते हैं ये देखो ना, ये सारे उसी के चल रहे, पीपल आर नॉट ए मींस टू एन एंड। अरे लोग इसलिए नहीं है कि इनको जरिया बनाकर पैसा बनाओ, नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयज, तुम्हारे साथी, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड, हमारा ड्राइवर तो मींस नहीं है। बिहार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती है दुकान, ये खुदा की बस्ती है, ये दुकान नहीं है, ये मीन नहीं है तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारे ड्राइवर, तुम्हारे साथी, फैमिली, अम्मी अबू, यही मकसूद है, वो बजाते खुद एंड है, अपने अम्मी अबू इंसानों की खिदमत करना और इंसानों को इम्पोर्टेंट समझना और इनको खुश रखना, इनको डिग्निटी देना, ये मकसूद है। क्या बात है जनाब, टोमासो कॉर्पोरेशन का केस हमें बता रहा है। हाँ जी, जुल्म यह है कि हमारे आई डोंट नो IBM में कभी केस, क्योंकि अल्लामा इकबाल की नज़म है, तो अभी राह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर, सुल्तान टीपू की नज़में, ये मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, निगाह फ़कर अमीर सिपा, तेरी निगाह फरोम आया, असद जमान साहब की कुछ चीज़ें हैं, 1 hour लेक्चर है इनका, explains how the West borrowed science from Muslims but never understood what it was, so how utilize Islamic concept of science we can vastly improve existing knowledge. Asad Zaman sahab ka ek hai powerpoints, ye hai inka YouTube hai, getting a real education. Asad Zaman talk on Islamic economics at Cambridge University. Cambridge University mein dekhe Allah taala ne inse baatein kara di. The first part of this talk is on spirituality, the link is attached. उसके बाद आगे चलते हैं, खत्म करते हैं एसएस जमान स्टॉक ऑन अनलर्निंग। इट टॉक्स अबाउट अनलर्निंग, ये स्टैनफोर्ड और MIT और वहां से जो चीजें सीखी उसको अनलर्न कैसे किया। एसएस जमान इज टीचिंग अ न्यू कोर्स, रेवोल्यूशनरी कोर्स इन एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर आई एम सेइंग दैट एवरीथिंग इन करंट कोर्सेज इज रॉन्ग। द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स प्रोवाइड्स ओरिएंटेशन एंड इस्लामिक फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज। असद जमान साहब की चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। अनीता इंडिया की कहानी है, वो अब रहने दें, अनीता खरगेश की कहानी है, जिसमें उसने वो कहती है मैं दादी अम्मा हूँ पूरी कंपनी की, तो एज अ दादी अम्मा बन के कंपनी चलाती हूँ। तो अगर कंपनी की दादी अम्मा हूँ, आपकी दादी अम्मा कंपनी की बॉस बन जाए तो कैसे आपसे मोहब्बत करेंगी, वाओ। तो असद जमान साहब के कुछ आर्टिकल्स हैं, मदरहुड थ्योरी है। फरजाद रफी साहब ने एक इंटरेस्टिंग हमें केस रेफर किया था, बेयरफुट कॉलेज, कमाल का कॉलेज है यार, एक ऐसा कॉलेज है जिसमें उस बंदे को वो बंदा प्रोफेसर अपॉइंट हो सकता है जो क्लास 5 से ज्यादा पढ़ा हुआ ना हो। आई डिस्क्वालीफाई फॉर दिस। ये बेयरफुट कॉलेज, नंगे पांव का कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज है इंडिया में और इसकी सैकड़ों ब्रांचेस हैं। ये लोगों को चंद महीनों में
एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट भी सिखाते हैं, स्किल भी सिखाते हैं, और अनपढ़ लोगों को भी वेल्डिंग, सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, लाइफ स्टॉक स्किल्स सिखाकर अपने पांव पे खड़ा कर देते हैं। कमाल। नेल्सन मंडेला की फिल्म में 2 घंटे की इनविक्टस के वो इंतकाम और माफ कैसे करते हैं, माफी बहुत बड़ी पावर है, माफ कर देना। तो ये भी एक अल्टरनेटिव मैनेजमेंट की चीज है कि लोगों को माफ कर दिया जाए। बियर्डफुट कॉलेज इंडिया की थी, तो ये भी इसकी टेड टॉक है, प्लीज इसको आप देखेंगे तो जैसिका कॉक्स की कहानी। इसके बाद ये पाकिस्तानी केसेस हैं, पाकिस्तानी केसेस इंटरलूप लिमिटेड, मुसद्दक ज़ुल्करनैन साहब, ये फैसलाबाद में होते हैं, इन्होंने इंजीनियर हैं यूटी लाहौर के। इन्होंने तय किया कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा जो रिश्वत नहीं देगी, एक पैसा भी नहीं हमने देना। और इन्होंने इस वक्त IPO भी हो चुका है इनका, पाकिस्तान के बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैं, और इन्होंने इस नीयत से काम शुरू किया था, एक पैसा भी नहीं देना। और ये चैरिटी में TCF में सिटीजन फाउंडेशन, अस्पताल, CED के साथ इनकी हमारी कोलाबोरेशन है, बहुत सारी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स किए। तो इंटरलूप लिमिटेड के ऊपर केस मौजूद है, ये केस अज़्म और हिम्मत की दास्तान है, और ये इस वक्त ज़रूरत बन चुके हैं इन्वेस्ट की। द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स इज अमेजिंग, और रिश्वत और धोखे और गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंसेस के होते हुए कैसे अपने आप को पाक साफ रखना है। वो कहते हैं सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, और वैल्यू सबसे बड़ी ताकत है, बंदे बहुत बड़ी ताकत है, उनकी खिदमत की जाए। जे डॉट जुनेद जमशेद साहब की कहानी है, इसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग है एक लिहाज से। एक आदमी जो है वो म्यूजिक को खैरबाद कहता है और उसके पास पैसे नहीं है, और उसकी मुलाकात होती है सुहेल साहब से, वो एक सनतकार है, वो भी दरमियाने दर्जे के हैं, दोनों ये मशवरा करते हैं। तकी उस्मानी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि यार बिजनेस शुरू करने से पहले मशवरा ये है कि एक पार्टनर रख लो, और वो पार्टनर अल्लाह सुब्हान तआला को बना लो, और उस पार्टनर को तो जो है जो उसका हिस्सा बने वो दो। तो ये तीनों नीयत करते हैं, और वो नीयत इतनी पावरफुल बन जाती है कि वो जुनेद साहब जो पैसे उनके पास कम हो चुके होते हैं, वालदैन से मांगना मुश्किल हो रहा होता है, तो वो माशाल्लाह रिवाइवल की कहानी। अलखैर प्रोडक्ट्स, ये जो ये केस लिखा हुआ है हाशिम साहब का, पीटर की कहानी है कि कैसे उसने प्रोडक्ट्स बना के यूरोप में, इनका बिजनेस मॉडल है UBBM, अबूदी है बिजनेस मॉडल, कि आप अपने बिजनेस को इबादत बनाएं, जब इबादत बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ होगा। इंडस हॉस्पिटल का केस हमने पढ़ लिया, अफूबत अमजद साकिब साहब भी हमारे गेस्ट स्पीकर आए, इनकी कहानी हमारे DSQ चैनल यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आखिरी डॉक्टर जफर इकबाल और उनके दोस्त टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, इन्होंने खिदमत के अस्पताल बनाया है, तो इसकी कहानी है। आखिर में इंटरेस्टिंग केस है फ्लैटीरॉन, वाओ, ये हार्वर्ड न्यूयॉर्क में। फ्लैटीरॉन जो है ये एक अल्टरनेटिव मैनेजमेंट मॉडल पर एक यूनिवर्सिटी खोली है इन्होंने, एक कॉलेज है जिसका नाम है फ्लैट आयरन भी बोल सकते हैं, फ्लैटीरॉन भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का कॉलेज है। वो कहते हैं अरे कंप्यूटर साइंस वालों, तुम 4 साल में जो पढ़ाते हो ना, हम 6 महीने में पढ़ा दो, 10 महीने, 4 साल में कोर्स वर्क कराते हैं, 4 महीने में कोर्स वर्क कराते हैं, 6 महीने में फ्री लांसिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, और 10 महीनों के बाद ही $4,000-5,000 की जॉब दिलवा देते हैं, अपना काम भी शुरू करवा देते हैं। तो ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आई थी 2012-13-14 में मेरा ख्याल है, और अब तो कोरोना वायरस के बाद अब ये देखिए ये मॉडल छा जाएगा। तो अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन फॉर बिग यूनिवर्सिटीज, बिग क्वेश्चन फॉर द MBAs, एग्जीक्यूटिव MBAs, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा कि ये दिमाग आप मराकश का हो गया। ये हब साल्ट कंपनी, ये भी पाकिस्तान का रांची की कंपनी, इस्माइल सुतर साहब को हमने बुलाया था, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी में लोगों को एम्प्लॉय नहीं कहता, मेंबर्स कहता। ये कोशिश है, मतलब आइडियल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें हैं इस्माइल सुतर साहब, हब साल्ट कंपनी कराची। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, इसके बाद ये कुछ उसको छोड़ देते हैं, हेनरी मिंसबर्ग हो गया, यन्ना भी हो गया, तो जनाब वो ही रिकार्डो सैमुएल, वो जो ब्राजील वाला था जिसने, उसने ये कहा कि अब ये देखा ना, ये हार्वर्ड का ग्रेजुएट है रिकार्डो, ये वही जिसने वो ब्राजील में कंपनी खोली थी, उसने फिर एक स्कूल चेन खोली है ब्राजील के अंदर, लूमी आर्ट स्कूल सिस्टम। अब उसके अंदर आप यूट्यूब पे सुनेंगे ना तो ये कहता है वी डू नॉट नो नथिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, वी नो नथिंग अबाउट डेथ, no nothing about why we are here, there is no place to talk about this in school. Yaar main us Harvard ko, NCERT ko, LUMS ko, Babson ko kya karu,
जो इम्पोर्टेंट सवाल ही नहीं डिस्कस कर रहा, वो क्या डिस्कस कर रहे जी, मिड टर्म हो जाएगा जी, इतने नंबर आ जाएंगे, फाइनल टर्म हो जाएगा इतने नंबर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट जमा करा दें जनाब, 100 का डाटा इकट्ठा कर लें, SPSS रन कर लें सर, पी टेस्ट आ गया जनाब, डी टेस्ट आ गया, वो पॉजिटिव आ गया जनाब, ये इसके गिर्द घूम रहा है। तो रिकॉर्डो सैमलर को अल्लाह ने तौफीक दे दी यार कि वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है और वो ब्राजील का एक अमीर आदमी है, उसको ये तौफीक हो गई, कहते यार ये स्कूल दिए, इन सवालों का तो जवाब दे नहीं रहे, तो ऐसा स्कूल होना चाहिए जो इन सवालों को हाईलाइट करे। ये उसी की कंपनी हार्ड वाला ने कंपनी विद ऑलमोस्ट नो रूल्स। तो जनाब ये आई थिंक दिस इज द एंड। इम्तियाज गनी साहब तशरीफ लाए थे उस दिन, गनी ग्लास पाकिस्तानी कंपनी है, इनोवेशन क्वालिटी, 5,000 लोग हैं, इन्होंने अपना KPI बदल लिया, उन्होंने कहा यार आई डोंट केयर अबाउट द बॉटम लाइन, मेरा जो टारगेट है ना कि मेरे अगर 5,000 एम्प्लॉई है ना, अगर वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जो जिस बैकग्राउंड का है ना, वो अपने तरीके की नमाज पढ़नी लाजमी है, खुदा ताला को याद कर। तो मुझे याद है 2017 में इनसे तारुफ हुआ, तो अभी चंद दिन पहले जब गेस्ट स्पीकर सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट 100% पूरा हो चुका है और मेरे जो बंदे हैं उनमें सच्चाई आई है, मोहब्बत आई है, आजी आई है, नरमी आई है, मानने की सलाहियत पैदा हुई है, ड्राइवर, प्लम्बर, मासी, मिस्त्री, हम इकट्ठे बैठ कर खाना भी खा लेते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ गनी ग्लास। अभी हम केस नहीं लिखा हुआ तो, लेकिन जब मौका मिलेगा इस पर केस लिखेंगे इंशाल्लाह। तो अलामा इकबाल दो नज़में भी थी और वो अब हम इस के साथ ही हम अखुवत की कहानी भी आ गई और ये वाला केस पहले आ चुका है, ओएमएट इंटामासो कॉर्पोरेशन स्पेशलिटी का, इंटरलूप की भी कहानी आ गई। तो जनाब अब हम वी हेडिंग टुवर्ड्स, अब एक ऑप्शन ये है कि एक ऑप्शन तो ये है कि हर एक को मैं एक केस दे दूं पूरी क्लास को और वो उसका एनालिसिस करे, नंबर वन। नंबर टू, सरमद साहब हैं, जैसे इन्होंने वो डॉक्टर साहब को लाए, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि 4-5 सफ़े की कहानी लिख के जमा करा दें, इनका फाइनल इम्तहान। ठीक है सर। इसी तरह जो जिसका कोई ऐसी है ना कहानी नजर आ रही है वो लिख के जमा करा दे, जिसको समझ नहीं आ रहा वो, मेरा ख्याल है ये केसेस हैं, एक रॉबर्ट ओमेट का केस है, इसको पढ़ के अपना तबसरा लिख लें, इसी बहाने मुझे ये फारग लालच होगी कि आप पढ़ लेंगे कुछ। जनेद जमशेद की कहानी है, इनके सवाल लिखे हुए हैं, इंडस हॉस्पिटल का केस है हमारे पास, इसके बाद ये ब्राज़ील वाला रिकॉर्डो सैमलर का केस है, तो आप ये मुझसे ले लें। इब्राहिमिक रिलीजन एंड लीडरशिप थ्योरी का रीडिंग है, अल्लामा इकबाल की 5-6 नज़में लें, इनकी समराइज करें अपने अल्फाज, वो ले लें, वो दैट कैन बी राइज एंड फॉल ऑफ निराला स्वीट्स है, इसको देख लें, इसको समराइज कर दें। मॉडर्न्स वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये एक रीडिंग है, बुक है इसकी समरी। तो ये इस कोर्स पैक के अंदर से कोई सी कोई चीज़ एक उठा लें और उसको अपने एंगल से, नुक्ता नज़र से 4-5 सफ़ों में लिख के पेश करें, मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाए बस। तो एक तरीका तो ये है, अभी मैं इसको ज़रा शेयरिंग ख़त्म करता हूँ एंड देन कम बैक एंड वी कैन सी ईच अदर। तो जनाब वंस अगेन 23 पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अब एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड जी? सर रहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब अलग अलग भी कर सकते हैं जिस तरह के आपने बोला, या अगर आप एक केस या फिर जो आपने भी लिस्ट आपने बताई है उसके अंदर से भी हर बंदा एक एक केस उठा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कोई थोड़ी और उसमें रिसर्च करके भी उसमें ऐड करके कर सकता है कि क्या इसके अंदर से कंक्लूजन निकलते हैं। अगर हम हर बंदे का अगर अलग अलग केस अगर रख देते हैं ये भी ठीक है, या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर वो बताना चाहे कि यार उसने जिस तरह के सर हमने डिसाइड किया था कि यार इस ड्यू टू दिस पेंडेमिक्स उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसने क्या क्या चीजें उसने नोट की हैं और किस तरीके से अपने आप को, वो भी डिटेल में लिखते हैं, दैट विल बी फाइन एज वेल। ओके मैं ना ये सब को आपको आपको ऑप्शन दे दूंगा, तो आप इस तरह करें कि आपने ऑप्शन फ्रीज करनी होगी 2-3 दिनों में। तो आप मेरा CR कौन था यार, सरमद आप बन जाओ ना, CR कौन था मेरा, सैफ के सर, आई थिंक सैफ, सैफ साहब थे या कौन था, सैफ साहब थे या सरमद साहब, आप वॉलंटियर कर लो यार इस वक्त।
सर मेरे ख्याल में आपने जो जिस तरह आपने मुझे स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताया डॉक्टर मजहर वाली जो ट्रस्ट के बारे में था उसमें सर मैं मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे ख्याल है मैं उसी पे कर लूंगा। मैं नहीं, वो तो आप करें कि मैं करूं, मेरा असिस्टेंट बन जाए कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए। जी सर, किस चीज में सर? कि आप सपोर्ट इसलिए इस तरह करेंगे कि मैं अभी ये सर्कुलेट कर लूंगा ये सारा ये कोर्स आउटलाइन, तो हर आदमी मुझे बता देगा विद सीसी टू यू कि मैं इस पे काम कर रहा हूं दो हफ्ते। ठीक है सर, ठीक है सर। ये ना हो कि हमें कोई कहें कुछ पे जमा कुछ कराएं, तो हमें पहले से कमिट कर दें कि मैं ये करने लगा हूं। सर आपने ऊपर लिखना है, केस लिखना है, आपसे लेना है। ठीक है सर, तो आप जरा सीआर बन जाएं क्लास के मेरे बिहाफ पे। श्योर सर। तो ये दो हफ्ते का जो टाइम हमें मिलेगा इसमें आप दो हफ्ते काम करेंगे, उसके बाद फिर आपका आपका 10-15 मिनट का इंटरव्यू होगा जी, बस वो एक हफ्ता है। उसके बाद वाला जो लास्ट वीक ऑफ रमजान होगा उसमें आपसे एक एक हफ्ते का इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू और सबमिशन की बुनियाद पर ही इंशाल्लाह ताला आपको जितवाना है। सर आप ऐसे जो टॉपिक्स बंदे देंगे वो आप रिव्यू करके वापस कम बैक करेंगे कि इज इट ओके टू प्रोसीड विद द सेम टॉपिक व्हिच वी हैव सबमिटेड टू यू? सॉरी जी, दोबारा। सर जो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे ईच इंडिविजुअल, ठीक है, उसको रिव्यू करके आप फिर कम बैक करेंगे कि ये टॉपिक्स ओके टू प्रोसीड है? नहीं, बस वो आप मैं अगर वो जो मसला होगा तो मैं इंकार कर दूंगा, आपने बस लिख के जमा करना है, सलमत भाई रिकॉर्ड कर लेंगे और वो मेरी सीसी में आता रहेगा। ठीक है सर मैं ऐसा कर दूंगा कि आप आउटलाइन जब शेयर करेंगे ना ग्रुप पे तो मैं गूगल ड्राइव की शीट बना दूंगा। बिल्कुल सर, मैं बना दूंगा, इस तरह कर दूंगा सर, उसी के अंदर सारा ऑनलाइन देख लेंगे हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें अपना नाम लिखें, अपना एमबीए लिखें, नाम, ईआरपी, क्लास, बैकग्राउंड क्या है आपका, जॉब कहाँ कर रहे हैं, ठीक है सर मत, और उसके बाद विच नेचर ऑफ एग्जाम क्या है वो लिख लें, और उसके बाद sure, फिर आगे लिखें डिस्क्रिप्शन की ये क्या करूंगा मैं, तीन चार लाइन। श्योर sure, सर, परफेक्ट। आप अपना बना लें सर मत, तो उसके बाद ये हम सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है सर। और उसी के अंदर ही फीडबैक देनी होगी तो मैं दे दूंगा, और उसी के अंदर ही जिसको केस चाहिए होगा वो मुझे बता देगा कि सर मुझे वो इंडस का केस दे दें, इंटरलूप का केस दे दें, वो फलां केस भेज दें, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है जी, सर मत मेरा जरा हेल्प कर देंगे क्योंकि वो मेरे sure, चार पांच काम चल रहे हैं, वो sure, कहीं सुस्ती ना हो जाए। ठीक है जी, श्योर सर। और जनाब एनीबॉडी एल्स? सर इसमें अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, शमास बात कर रहा हूँ, शमाज बात कर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर बात ये कि इसमें अगर आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एतबार से अगर आप अपना ऐड करना चाहें तो कैन आर वी अलाउड टू ऐड इट, व्हिच शुड वुड बी पर्टिनेंट आल्सो। प्यारे भाई कह रहे थे ना, बिल्कुल जनाब, आप आपकी किसी जिन से मुलाकात हुई है तस्करा कर दे, जिन से कोई जी जी। और दूसरी बात ये कि इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो उनमें से रैंडमली जो भी कोर्स पैक के अंदर टॉपिक्स हैं वो उसको हम अपना अपना जो मतलब सेंटर पॉइंट उनको बना करके फिर हम अपना पूरा थीसिस जो भी है वो लिख के आपको। जनाब आप पूरे कोर्स को बना लें, आधा कोर्स बना लें, एक केस ले लें, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं, पेपर पर लिख के उसकी व्हाट्सएप पे तस्वीरें खींच कर जमा करा सकते हैं यार। आपकी आपकी क्रिएटिविटी को बाउंड नहीं करना चाह रहा मैं। राइट सर, राइट। आप हाँ जी कहीं लेक्चर दे दो जाकर यार, तीन घंटे का, उसकी समरी बनाकर लिख भी दो लेक्चर, यानी कोई ऐसा क्रिएटिव काम करो कि वो यादगार रह जाए, खिदमत के अंदर शुमार हो जाए, काउंट हो जाए कहीं अल्लाह ताला के यहाँ कि इस मेरे बंदे ने यार कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश की, खिदमत की कोशिश की यार इस बंदे ने, तो उस खाते में काउंट हो जाए वो ग्रेड, तो आनी जानी चीज है भाई जी सर। एनीबॉडी एल्स? हमारे साथ चंद साहब मौजूद है नूर फाउंडेशन के, उनको आज हमने इनवाइट किया था, और मैं भी कुछ एसोसिएटेड हूँ इस नूर फाउंडेशन से, तो उसी पे आपके पास मैं करना चाहूंगा अपना। अच्छा, वो आगे जी, वो आगे सर? जी सर, वो वेट कर रहे हैं काफी देर से। अच्छा, ओके ओके, उनको फिर ऑनलाइन ले ले जनाब, सॉरी मैं तो 15-20 मिनट बाद वेट कर लेंगे जी प्यारे भाइयों, ताकि इनकी बात सुन लें, ताकि मुझे ध्यान में नहीं रहा था। तकी साहब इज हियर ऑनलाइन, एक मिनट, तकी इज हियर? तकी जी सर हियर। अच्छा एक मिनट तकी साहब की बात सुन ले, ताकि जी बेचारे, आप कहाँ पर हैं बेटा, घर में या ऑफिस में? उधर कैंप में हो सर? नहीं, वहाँ अभी घर पे हूँ। अच्छा तो जनाब आपकी तस्वीर भी दिखा दें और शेयर कर दें। तकी साहब जी एमबीए किस क्लास में बेटा? सर एमबीए बैच ऑफ 2019 था। एमबीए बैच ऑफ 2019, अल्लाह ताला ने इसको और इसके साथ
मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने मिलके एक ड्राइव शुरू की हुई है। जल्दी से बता दो बेटा, दो तीन मिनट में हमारे गेस्ट स्पीकर वेट कर रहे हैं। सर वो स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल हुई हुई है, आप वीडियो नहीं देख दिखा सकते अपनी? हाँ मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा सकता। नहीं अपना आप तो दिखा दें, संगे संगे की हुई है ना सर वो? जरा सा चले मैं दिखा देता हूँ। कंडीशन की कर लेना जरा। ओके चले, थैंक यू। Thank you so much and for giving us the opportunity, sir. Basically, we are a group of IB students and the reason that I wanted to interact with you was that crisis is very severe and you should know about it, that what is the difficult time we are going through our country and our around. Ever since this pandemic started, the corona crisis in Pakistan, lakhon ki tadad mein log aise hain jo sadkon pe aa gaye hain, jinka bilkul hi wage ruk gayi hai, जो कि जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो वेटर्स की है, जिसमें वैले पार्किंग वाले हैं, इसके अंदर बार्बर्स हैं सारे, इसके अंदर मैकेनिक्स हैं, पंक्चर शॉप्स पे काम करने वाले लोग हैं, तो ये लाखों की तादाद में लोग हैं और ये वैसे भी गुर्बत की लकीर से 40% आवाम हमारी नीचे रहती थी, अब वो लोग बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं। तो उनके लिए फॉर देम वी स्टार्टेड अ सॉर्ट ऑफ हेल्प, जो जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया और हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव कवर्ड मोर देन 2000 फैमिलीज और एक फैमिली कवर करने का मतलब ये है कि उस फैमिली के अंदर 15 दिन का राशन हम लोग एटलीस्ट देते हैं। दो या तीन लोगों ने स्टार्ट किया था, नाउ इट्स अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल जो डिफरेंट हुआ वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड एनजीओ, वी आर नॉट अ फुल टाइम वॉलंटियर ग्रुप। हम लोग वी कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल कंपनीज। सब ने अपनी अपनी कंपनीज से जो जो एफएमसीजी में काम करता था, वी हैव कलेक्टेड इन काइंड डोनेशंस और हम लोग हर घर पे जा करके लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, जिससे शायद उनका रमज़ान थोड़ा सा आसान हो जाए, जो अदरवाइज नहीं होता। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग खास तौर पे उन लोगों को ढूंढें और उनको ढूंढ के रीच आउट करें जिनका काम इस COVID-19 की क्राइसिस में ख़राब हुआ है और जो कभी भी अपनी फैमिली के साथ अदरवाइज बाहर आके सड़क पे नहीं मांगते, खामोशी से बैठे हुए और इस मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि कोई उनको आके पहुंचे, किसी तरह उनको कोई जरिया बना के उनकी हेल्प करे। तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अभी हमारे 600 राशन बैग्स इंशाल्लाह और निकल चुके हैं एंड पूरे रमजान ईद तक हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप ज़कात देना चाहते हैं या किसी भी सूरत में हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। अगर आप किसी सूरत में हेल्प नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इन काइंड कर सकते हैं तो वो कर दें, वो भी नहीं कर सकते तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपना राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर बनाया। यू कैन ऑलवेज कम एंड वॉलंटियर, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वॉलंटियर्स। हमारा काम बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह स्केल पे जा चुका है हमें रोजाना। और किसी जरूरतमंद को देना चाहते हैं तो वो भी रेकमेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं कि कोई ऐसी सफेदपोश फैमिली आपके खानदान की, आपके आस पड़ोस की नेबरहुड, आप उनको नेबरहुड में है तो आप उनको उनका रेफरेंस दें हमें, हम उनको खामोशी से जाके पहुंचाएंगे, ना उनकी कोई पिक्चर ली जाएगी, ना किसी को बताया जाएगा, ना किसी को जो है वो किसी सूरत जो है उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर। बिल्कुल 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 जी, आई एंडोर्स दैट। आई वाज विद देम 2 डेज अगो और मुझे लगता है कि आई हैव टू गो देयर फ्रीक्वेंटली, तो आई एम पार्ट ऑफ दैट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह तौफीक दे रहा है, थोड़ा सा मैं भी इसे डालूंगा इंशाल्लाह मजीद। और अल्लाह ताला इन जवानों को देखना, ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर शाम को 3 बजे जाते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे घर पहुंचते हैं। और सर शहरी से पहले आजकल हम लोग कोशिश होती है कि शहरी तक करें, देखना कि किसी माँ के बच्चे हैं और इसी कराची में हैं, ये भी आईबीए के हैं, तो हम आई थिंक मैं आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। फरीद शाह है, ये हैं, तकी साहब हैं, और भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। कितने लोग हैं जी आईबीए के, कितने बच्चे हैं जी? सर तकरीबन 15 लोग हो चुके हैं आईबीए के साथ, 15 लोग हैं माशाल्लाह। तो जनाब इसमें मुख्तलिफ हैसियतों से कंट्रीब्यूट कर लें। अच्छा ये बताएं कि जनाब आपने बाइकिया को कैसे एंगेज किया, करीम को, लोगों को घरों तक कैसे पहुँचा रहे? हमने ये सोचा कि जहाँ हम लोगों को हेल्प तो कर रहे हैं जिनका रोजगार खत्म हुआ है, क्यों ना हम कोई ऐसा काम भी करें जिससे मजीद लोगों के लिए रोजगार पैदा हो, ताकि वो अपनी इज्जत को, इज्जत नफ्स को हाथ में रखते हुए कुछ कमा सकें, घर के लिए लेके जा सकें। तो उसके लिए हमने रीच आउट किया कुछ ऐसे वॉलंटियर्स को जो फूड पांडा में काम करते थे, उनका काम बिल्कुल रुक चुका था, जो बाइकिया में राइडर्स थे, डिलीवरी करते थे, तो उनका काम बिल्कुल रुक चुका था। और हमने उनसे कहा कि आप दिन में हमारे लिए 2 या 3 या 4 राशन डिलीवरीज अगर कर लेते हैं तो फ्री राशन डिलीवरी आपको
250-300 रुपए मिल जाएंगे, जिससे उनका एक अच्छा खासा गुजारा जो बिल्कुल ही रुक चुका था वो होना शुरू हो गया। और इससे अल्लाह का शुक्र है, जब हमने ये बात की तो इत्तेफाक की बात है, ये मौजा है अल्लाह का, कि जब हमने लोगों का रोजगार जोड़ा तो हमें डोनेशंस और ज्यादा मिलना शुरू हो गए और हमें और लोगों की जरूरत पड़ी। और थैंक यू वेरी मच। तो तकीब भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर। आप मोबाइल नंबर यहाँ लिख दें चैट बॉक्स में, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और जिया साहब, जियाउद्दीन साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ यार, सॉरी मुझे ना भूल ही गया कि वो हमारे मुअज्जज़ मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ, माफी का खासदार हूँ, उनको तो पहले प्रायोरिटी पर देना चाहिए था, आप मुझे याद करा देते मेरे भाई। तो जियाउद्दीन साहब आप अपना भी तारफ करा दें और मेहमानों का भी तारफ करा दें प्लीज। सर मैं आपके पास जियाउद्दीन IBA EMBA का स्टूडेंट हूँ, आई एम एक्चुअली लेक्चरर एट अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड टीचिंग देयर कंप्यूटर साइंस कोर्सेस एंड डूइंग माय दिस EMBA। एंड शम साहब इज अटैच विद नूर फाउंडेशन UK, एक NGO है, उसके साथ ये अटैच हैं और दे आर रनिंग मोर देन 20 डायलिसिस सेंटर्स इन पाकिस्तान and all over the world. ज़्यादातर focus जो है इनका पाकिस्तान ही है आपके पास। further आपको जो है वो शम साहब आपको introduce कराएंगे। मैं आप शम साहब please आप अपनी तस्वीर भी दिखा दें अगर possible हो सर, आपकी ज़ियारत भी कर लें जनाब हम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओ माशाल्लाह वेलकम। सॉरी सर आपको वेट करना पड़ गया। मैं देख सर, रहा कोई बात नहीं सर, आपकी इतनी अच्छी बातें थी जो हमने सुनी और हमने बहुत आपकी बातों से फायदा लिया और हमें पता लगा कि किस तरह जो है वो इंसानियत की खिदमत करना की जाती है। कबूल फरमाइए जी। जी जनाब। सर मेरा ताल्लुक नूर फाउंडेशन से है और नूर फाउंडेशन इस वक्त फ्री डायलिसिस पर काम कर रही है। नूर फाउंडेशन लोगों को नूर फाउंडेशन UK। ओके माशाल्लाह। हाँ हम ये हमारी फाउंडेशन 2001 से काम कर रही है। इसके काम का मकसद ये है कि सर कि इंसान की आंखें काम कर रही होती है, दिल काम कर रहा होता है, जिस्म काम कर रहा होता है, दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन उसका जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। हमारे फाउंडर ने ये बात हेलो जी तो फाउंडर नक्शबंदी साहब, शफीक नक्शबंदी साहब ने ये बात बराबर कराई कि इंसान का पूरा जिस्म काम कर रहा होता है, सिर्फ गुर्दे फेल होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए कोई डायलिसिस सेंटर पाकिस्तान के अंदर इतने होने चाहिए ताकि इंसान जिंदा रह सके। ओके जी 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 जी। तो तकरीबन 184 मशीनों के साथ इस वक्त नूर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में अपना काम सर अंजाम दे रहा है। हेलो जी 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 बोलते जाइए जी, आवाज आ रही है। पंजाब, कराची, गिलगित आजाद कश्मीर और फैसलाबाद और दीगर शहर में नूर फाउंडेशन की तकरीबन 184 मशीनें हैं, जहां लोगों को तकरीबन मुफ्त, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि डायलिसिस एक ऐसा मर्ज है कि जो आम इंसान जो गरीब है वो डायलिसिस का इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकरीबन 15 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर उसको डायलिसिस कराना लाजमी होता है और अगर किसी जगह बड़े हॉस्पिटल से वो कराए 5,000 10,000 12,000 15,000 रुपए पर वीक या पर 15 डेज के बाद उसको ये खर्च करना पड़ता है। तो नूर फाउंडेशन UK ये डायलिसिस मुफ्त फराम करती है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी 184 मशीनों के साथ हम लोगों की खिदमत जा रहे हैं। अच्छा सर मेरा ताल्लुक जी जी कैरी ऑन, मैं बाकी म्यूट कर दूं। जी जनाब। सर तकरीबन एक मशीन की कीमत 12 लाख से हेलो सर तकरीबन एक मशीन की कीमत तकरीबन 12 लाख से ऊपर है आजकल। और कितनी मशीनें हैं आपके पास टोटल? के अंदर 12 लाख थी, अब तकरीबन 13, 14, 15, 16 तक पहुंच चुकी है।
हमारे पास नूर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 184 मशीनें हैं। अल्लाह अकबर, 184 को 15 लाख से ज़रब देते हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक पेशेंट पर इस वक्त 3500 रुपए खर्चा आता है पर डे। हाँ, एक पेशेंट पर तकरीबन 3500 रुपए खर्चा आता है। और हमारे जो फाउंडेशन है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोजाना लोगों को डायलिसिस फराहम करती है। जी 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 जी, माशाल्लाह। हमारे यहाँ जो यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर सर एक बात और मैं आपको बताता चलूं सर कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से लेकर यूके तक जितने मेंबर हैं नूर फाउंडेशन के, कोई भी पेड मेंबर नहीं है। कोई भी मेंबर तनख्वाह नहीं लेता, पेड मेंबर नहीं है। कोई भी नूर फाउंडेशन का कोई भी मेंबर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो यूके के अंदर हो, वो तनख्वाह नहीं लेता। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो इस फाउंडेशन के साथ काम करता है। जी। और हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की खिदमत के लिए ये काम करते हैं। और ना हमारा मकसद इसमें किसी को दिखावा है, ना हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो माशाल्लाह। ये काम हम अपने दोस्त अहबाब और दूसरे लोगों के साथ मिलके करते हैं। जो लोग हमें ज़कात की मद में, खैरात की मद में और दूसरों मद में हमें फीडिंग करते हैं, और हम खुद भी अपनी अपनी जेब से भी हम इसके अंदर सालाना इसको फंडिंग करते हैं नूर फाउंडेशन को। जी माशाल्लाह, ग्रेट। तो हेड ऑफिस कहाँ पर है सर? हेड ऑफिस हमारा लंदन में, इंग्लैंड के अंदर है सर, यूके में है हमारा हेड ऑफिस। और ये जो आपके फाउंडर थे उनका, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें, कौन साहब हैं? जी सर, ये अच्छा, शफीक नक्श। जी जियाउद्दीन साहब को मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ठीक, चार एक मिनट है। जियाउद्दीन आपको शेयर कर दूं? जिया जी सर प्लीज। अच्छा, जियाउद्दीन साहब कहाँ गए जनाब? शेयर, स्क्रीन शेयर। चले जनाब, कर ले शेयर आप। सर ये शफीक नक्शबंदी, ये यूके के अंदर होते हैं, इनके साथ इनका पूरा ग्रुप होता है जो इस वक्त हमारी नूर फाउंडेशंस के लिए काम कर रहा है और हमारी हेल्प करता है पाकिस्तान के अंदर जितनी मशीनों की 184 मशीनों की मेंटेनेंस, तमाम 184 मशीनें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, उसकी तमाम मेंटेनेंस शफीक नक्शबंदी साहब यूके से हमें फराम करते हैं। उसकी मेंटेनेंस का चार्जेस, तमाम मेंटेनेंस के चार्जेस फंडिंग वहां से आती है? सारी फंडिंग नहीं आती सर, सारी फंडिंग नहीं आती, सिर्फ मशीनों की मेंटेनेंस। अच्छा, सिर्फ मशीनों की मेंटेनेंस के जो चार्जेस होते हैं वो यूके से आते हैं, बाकी जो डायलिसिस के ऊपर यहाँ खर्चा आता है वो हम अपने ही लोगों से और हम खुद मिलकर इकट्ठे करते हैं। माशाल्लाह, वंडरफुल। ये जिया साहब को कुछ, हाँ जिया साहब को कुछ मैंने वीडियोस कुछ 497 आगे चलें जनाब, आगे चलें माशाल्लाह, आगे चलें। पॉवर्टी, डिसेबिलिटी, सिकनेस से बचाने आगे चलिए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा। Vision is that no kidney disease sufferer should die. आगे आगे चल जाए, इधर लंबा ग्रीटिंग है वो, माशाल्लाह। किडनी का मसला क्यों होता है, आगे चलिए। तो सेंटर की तस्वीरें दिखा दें, वो अगर आगे हैं तो वो दिखा दीजिए। सर एक वीडियो इन्होंने शेयर की भी है वो, अगर हाँ वीडियो दिखा दें बाकी तो ये पढ़ लेंगे। ये आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा इनकी वीडियो, इनकी पावर पॉइंट। ओके, वीडियो दिखा दें और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह।
आ रही है वीडियो मेरी, शेयर हो रही है आपके पास? हाँ, इसकी ना ठहरे इसकी जो ना वॉइस को ऑन करना पड़ता है, इसको वापस जाकर ना नीचे स्क्रीन के ऊपर नीचे वहां पर एक बटन होगा, शेयरिंग करते हैं ना नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि कंप्यूटर ऑडियो। यस कंप्यूटर मिल गया आपको? Share computer sound. Yes, मिल गया। हाँ, जी। The UK amongst the Asian population is इसको शुरू में 3-4 मिनट, दरमियान में 2 मिनट, आखिर में 1 मिनट इस तरह करके दिखा दीजिए। Kidney disease is one of the biggest killers anywhere in the world. According to reliable research, as many as 10 million adults in Pakistan may suffer from kidney disease, and one person in every 100 will die from kidney failure if not treated properly. The incidence in the UK amongst the Asian population is about 5 times as high, higher than the Caucasian white population. And I suspect that it's probably even higher in Southeast Asia and South Asian countries. The few dialysis centers in Pakistan that existed before the Noor Foundation are located in the main cities, away from where most of the population live. Patients who cannot get to these centers simply die. Dialysis centers were in the big cities like Karachi, Lahore, Rawalpindi, etc. And that's why we decided to have these centers at the district hospital level. The Noor Foundation UK is a worldwide charity registered in the United Kingdom that has been providing free kidney dialysis treatment to a poor and needy kidney sufferer since 1998. The Noor Foundation will provide the machine and the dialysis disposable to the patient. The big contribution of the foundation in terms of aaj main apne pairon se khud khade hota khud kaam karta hu inni ko zyada meri halat bigad gayi thi jadon itthe inna de kol aaye thi na ke zindagi maut di kashmakash thi main center ka pehla patient hu 9 saal se yahan se noor foundation ke town se jo ये डॉक्टर जरीफ की डायलिसिस यूनिट है वहाँ से डायलिसिस करा रहा हूँ। मैं चिचिया से आता हूँ और 1-3 साल हो गए मुझे बीमार हुए, डायलिसिस करवा रहा हूँ। Process through which a person's blood is cleansed of the toxins the kidneys would normally flush out. It is generally used when a person's kidney attached to the patient. Dialysis is available for these patients. Centres total approximately £250,000. The average cost of dialysis to a patient paying privately in Pakistan is approximately £3,000. The cost of a poor patient cared for at a Noor Foundation centre is zero. Where this dialysis unit is available. And the patients are getting treatment near their homes and saving lot of money. मैं एक मुलाजिम हूँ और मेरी तनख्वाह पर मेरा गुजरोकात है UF. Dialysis is a very expensive treatment in Pakistan because it's a lifelong treatment. The average income of a family in Pakistan is around £400 a year, whereas the cost of a dialysis is over £3,000 a year. Which the wealthy people can only afford. And that's why the work of Noor Foundation should continue to, so we, otherwise these patients will die. The Noor Foundation currently has 17 state-of-the-art kidney dialysis centers located across Pakistan. Comprising a total of 100 dialysis machines. These centres were set up at a cost of £1 million. Free kidney dialysis.
All our centres are housed in government hospitals and are managed on a day-to-day basis by our sister charities in Pakistan. I would provide the training of the nurses, dialysis technicians, and even the doctor. In the last 10 years, so much has been achieved, and it's been achieved at a very high standard. The quality of dialysis that this patient receives, this is indeed remarkable. The thing is that these patients who come in moribund sometimes, success goes on to the treatment of the patients. Our vision is that no kidney patient should die from lack of available dialysis facilities or from lack of funds. We intend to open 33 dialysis centres by 2010. Rungi town in Karachi, Uzdar and Laura Lai in Balochistan, and Nushera in the NWFP. Of the and work cannot continue. Give empty your pocket. MashaAllah, Janab, bahut shukriya, Ziauddin sahab. सर यहाँ पे इनका जो अचीवमेंट है ना वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी जो जितने भी सेंटर्स हैं ना वो सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश हुए हैं. मतलब सारी स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, डॉक्टर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है. अब बाकी जो सर्विसेज हैं आपके पास वो सब आपके पास ये नोट फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है. तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, ये गवर्नमेंट से आपके पास ले गया सारी. माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी. इट वाज अ ग्रेट लर्निंग. और खिदमत से खुदा मिलता है. और जिन लोगों ने डायलिसिस पेशेंट को देखा है उनको अंदाजा है कि तकलीफ कितनी है. तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी. बहुत शुक्रिया. और हमारे साथी जो हमारे ऑनलाइन थे, इनका एक मिनट जरा, हमारे प्यारे भाई शमस साहब, थैंक यू वेरी मच जी. हाँ जी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बासित साहब का, अली जमाल, अमान खान, आसिफ नयानी साहबा, आयशा साहिबा, फरहान फारूक, फहद हसन, मकसूद, शमाद साहब, माशाल्लाह. ये ओप्पो A1 के कौन है जनाब? ये नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं नाम नहीं. उसके बाद रोमान साहब हैं, सैफुर रहमान, सकीना, सलमान, नीब, सलमान सदीकी, शरमद तकी इज स्टिल ऑनलाइन, एंड जियाउद्दीन. थैंक यू वेरी मच. एंड सो मे अल्लाह सुब्हानहु तआला इस कोर्स को पढ़ाने में मुझसे जो कमियाँ कोताही उनको माफ़ कर दे. और आपको भी हम हक अदा कर सके करना चाहिए था. आई कुडंट डू दैट. And may Allah subhanahu wa ta'ala give me more energy and strength to practice what we say. Mujhe bhi amal ki taufeeq naseeb farmaye aur aapko mujhse behtar inshaallah bana de. Aur aap pehle bhi behtar hain mashallah. Aur iske alawa ye hai ki yani ki achhi baaton ko dusron tak pahuncha de. Aur kal inshaallah agar Allah ne chaha to agar aap thodi si himmat kar le to ye iski recording inshaallah ye jaise mujhe milti hai na main sarmat ko share kar dunga. तो सरमद साहब जो है फिर वो आगे क्लास को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे. ओके सर. और तो जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हमी और नासिर हो. कल 10 से 11 बजे तक माइल्स डेविस साहब आएंगे. अगर आप आएंगे तो रौनक लग जाती है. अच्छे सवाल को पूछे जाते हैं, कोई खास मुद्दत तो तरावी भी आप पढ़ लें 8:30 से 9:30 पौने 10 तक. सुबह 10 बजे सर? नहीं, रात को 10 बजे. रात ओके. यूएस से बात करेंगे ना, वेस्ट कोस्ट से. कुछ ना कुछ लर्निंग हो ही जाती है सर. प्रीवियस जितने भी सेशन थोड़ा सा ये है कि वो इतनी दूर अमेरिका से आ रहे हैं तो वो 100-200 बंदा होना चाहिए ना यार. वो कहेंगे कि यार हमें आपने इंगेज किया. तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे. बहुत शुक्रिया जी. मैं आप लोगों का, इट वाज अ ग्रेट क्लास. आपको लेवल ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म काफी ज्यादा था. तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए. ठीक है जी, इजाजत जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह सर. थैंक यू.